लास्ट क्लास में जो किया था रिवाइज कर लिया। जेनेटिक ग्रुप समझ में आ गया सबको? ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स आ गए, सब समझ में आ गया ना? ठीक है, गुड मॉर्निंग आशिमा। चलो, लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में स्पेसिएशन किया था। स्पेसिएशन से स्टार्ट किया था, ठीक है। स्पेसिएशन में हमने टाइप की थी कि यहाँ पे क्या होता है, चार टाइप के स्पेसिएशन यहाँ पर होता है। एक होता है एलोपेट्रिक आता है, और एक पैरीपेट्रिक, पैरापेट्रिक, और एक हमने किया था यहाँ पे सिम्पेट्रिक, ठीक है। ये चार टाइप का स्पेसिएशन यहाँ पे किया था। एलोपेट्रिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होगा, ज्योग्राफिकल बैरियर होगा, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पर होगी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अदर प्लेस। यहाँ पे जो स्पेसिएशन यहाँ पर होता है वो कहाँ पर होता है, अदर प्लेस पे यहाँ पर होगा। तो ज्योग्राफिकल बैरियर किसी भी एक हैबिटेट में वहाँ पर आता है, तो वहाँ पे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पर होते हैं, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन वहाँ पर होती है। ये हमने एलोपेट्रिक में किया था। फिर उसके बाद पैरीपेट्रिक में क्या किया था, यहाँ पे किया था कि पेरिफेरी, यहाँ पे था कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन होती है उसके पेरिफेरी से वहां पर क्या होता है, माइग्रेशन यहाँ पर हो जाता है, या फिर क्या हो सकता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन यहाँ पर हो सकता है। पेरिफेरी से यहाँ पर होता है कि पेरिफेरी से कुछ पॉपुलेशन माइग्रेट करके किसी दूसरे प्लेस पे चली जाती है। फिर नेक्स्ट क्या था, पैरापेट्रिक था। पैरापेट्रिक में क्या था, इसमें हमने क्या था, बिसाइड, मतलब पैरापेट्रिक में यहाँ पे क्या था, बिसाइड, मतलब बिल्कुल साथ में एडजेसेंट वहां पे कोई भी पॉपुलेशन वहां पर होती है, तो वहां पे कुछ भी क्या करते हैं, डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पर होता है। कोई फिजिकल बैरियर यहाँ पर नहीं आता। इन दोनों में क्या था, फिजिकल बैरियर यहाँ पर होता है, यहाँ पे कोई भी फिजिकल बैरियर यहाँ पे नहीं आता, तो उसको क्या होता है, पैरापेट्रिक स्पेसिएशन यहाँ पर होता है। फिर लास्ट हमने क्या था, सिम्पेट्रिक। सिम्पेट्रिक में क्या था, सेम प्लेस पे, किस यहाँ पे क्या था, ओरिजिनल पॉपुलेशन के बीच में क्या करते हैं, न्यू पॉपुलेशन वहां पर आ जाते हैं। वो डिफरेंस किस वजह से आता है, निश, अगर वहाँ पे क्या, निश तो सेम रहेगी यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे फूड प्रेफरेंस चेंज हो जाते हैं, जैसे कोई भी प्रेफरेंस यहाँ पे चेंज होगी। पैरापेट्रिक में कहते हैं कि यहाँ पे निश डिफरेंट होती है, लेकिन यहाँ पे जो सिम्पेट्रिक होता है यहाँ पे निश कैसे होते हैं, सेम यहाँ पर होते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे फूड प्रेफरेंस चेंज होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन यहाँ पर होते हैं, ठीक है। स्पेसिएशन के बाद फिर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट किया था। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था कि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि सडन कुछ भी एलिलिक या फिर जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज यहाँ पर आ जाता है किसी भी पॉपुलेशन में, तो उसको क्या बोलता है, यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलता है। ये किस वजह से हो सकता है, कोई डिसीज यहाँ पे हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है, दो ऐसे होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या किया था, यहाँ पे दो इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, एक फाउंडर इफेक्ट होता है, एक बॉटल लाइक इफेक्ट होता है। क्या मेन डिफरेंस होता है बिटवीन फाउंडर एंड बॉटल लाइक इफेक्ट? बॉटल लाइक में डेथ होती है, उसमें फाउंडर में नहीं होती। हाँ, ये क्या था कि बॉटल लाइक इफेक्ट में क्या होता है, डेथ होती है, और फाउंडर में डेथ नहीं होती। बॉटल लाइक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर वहां पर आता है, किसी भी तरीके से वहां पे क्या करते हैं, मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, वहां पे क्या करता है, बहुत स्मॉल साइज पॉपुलेशन वहां पर आ जाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट फिर करता है क्या, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करता है, कोई भी पर्टिकुलर अलील वहां पे फिक्स हो जाता है, और किसी एक पर्टिकुलर अलील वहां पे क्या करता है, लॉस वहां पर हो जाता है, ठीक है। तो बॉटल लाइक इफेक्ट में डेथ थी। फाउंडर इफेक्ट में क्या था, डेथ की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वहां पे सिंपल कहते हैं कि एक स्मॉल पॉपुलेशन माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, तो वहां के लिए क्या बनते हैं, फाउंडर वहां पे बनती है, फिर वहां पे उनका ब्रीडिंग वहां पर होते, तो एक नई पॉपुलेशन वहां पे बन जाता है, वहां पे सिंपल कैसा होता है, होमोजाइगस पॉपुलेशन वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। फिर हमने कुछ फॉर्मुलाज यहाँ पे किए थे कि यहाँ पे एलील क्या करता है, फिक्स्ड हो जाता है, या फिर एलील यहाँ पे क्या करता है, लोस्ट यहाँ पर होता है। तो फिर हमने फॉर्मुलाज किए थे कि जहाँ पे, मतलब फॉर्मुला में जनरल क्या था, 1/2n ही था। फिर उसके बाद बस एक फॉर्मुला ऐसा था, मतलब जिसमें क्या था, 1/4n कब आ रहा था, लॉस्ट और फिक्स्ड दोनों जब आ रहे थे, तो वहां पे क्या था, 1/4n वहां पर था, ठीक है। और क्या किया था, एक और फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन वाला भी तो किया था ना, कि अगर वहां पे कोई भी पॉपुलेशन साइज गिवन हो तो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 2n, ठीक है, ये हमने किया था, ठीक है। तो यहाँ तक जेनेटिक ड्रिफ्ट कंप्लीट हुआ था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है लॉज ऑफ एवोल्यूशन। कुछ लॉज यहाँ पे करता है, लो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लो हमारे पास आता है, फर्स्ट लो यहाँ पर होता है कोप्स लो। फर्स्ट लो यहाँ पर आता है कोप्स लो, ठीक है। ये लो कोप्स ने यहाँ पे दिया था। अभी जो कोप्स लो थे ना, इन्होंने ये बोला था कि जो पॉपुलेशन लीनेज होती है, पॉपुलेशन लीनेज का मतलब सिंपल कि जो भी पॉपुलेशन के आगे डिसेंट जो बेसिकली वहां पर होता है, कि जैसे जैसे उनका एवोल्यूशन होता है ना, एवोल्यूशन के साथ साथ उनका बॉडी साइज भी क्या करते हैं, इंक्रीज करता है, ठीक है। सिंपल बोला कि पॉपुलेशन लीनेजेस जो होती हैं वो क्या करते हैं, उनका बॉडी साइज इंक्रीज करता है ओवर द एवोल्यूशनरी पीरियड, कि जैसे जैसे एवोल्यूशन वहां पर होता है बॉडी साइज उनका क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब कोप ने ऐसे बोला और उन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे दी कि मतलब बॉडी साइज इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि क्या होता है, मतलब अच्छा देखो पॉपुलेशन लीनेज का सिंपल मतलब क्या हो कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन यहाँ पर है, ठीक है, ये एंसेस्टर है। अब इसकी आगे जो लीनेज यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीशीज यहाँ पर आ रही है, एक वंश यहाँ पे चल रहा है, ये डिसेंट ऐसे चलता जा रहा है, तो जैसे जैसे यहाँ पे एवोल्यूशन यहाँ पर होता जा रहा है तो अब इनका बॉडी साइज साथ साथ यहाँ पे क्या करता रहता है, इंक्रीज यहाँ पे करता रहता है। कि जो पॉपुलेशन लीनेजेस होती हैं ये क्या करती है, इनका बॉडी साइज क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है जैसे जैसे इनका एवोल्यूशन यहाँ पे होता रहता है। ये बोला था यहाँ पे कोप्स ने, और कोप्स ने इसकी एक्सप्लेनेशन सिंपल दी कि जो लार्ज बॉडी साइज होता है ना, वो क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को बढ़ाता है, मतलब वो कैसे होता है, बेटर कॉम्पिटिटर्स वहां पर होता है, उनके सर्वाइवल को इंक्रीज करता है। इसलिए किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का जैसे जैसे एवोल्यूशन वहां पर होता है वैसे वैसे उसके जो वहां के डिसेंट आते रहते हैं उनकी वहां पे क्या करता है, बॉडी साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो सिंपल सा था कोप्स लो था। कोप्स लो ने सिंपल यहाँ पे बोला कि पॉपुलेशन लिनेजेस जो यहाँ पर होती है वो क्या करते हैं, अपना बॉडी साइज इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे उनका एवोल्यूशन वहां पर होता है। लार्ज बॉडी साइज के बेनिफिट वहां पे क्या होते हैं, उनको बेटर सर्वाइवल वहां पे मिलता है और वहां पे उनको बेटर कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज उनकी वहां पर होती है, इसलिए यहाँ पे क्या करता है, बॉडी साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। इसमें लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस लो पॉपुलेशन लिनेजेस tends to increase their size over evolutionary time और ये जो law है it is applicable to mammals, ठीक है। ये लो जो होता है ये मैमल्स के लिए ही एप्लीकेबल यहाँ पर होता है। अच्छा, इसमें और लिखो, लार्जर बॉडी साइज एसोसिएटेड विद इम्प्रूव्ड फिटनेस because large body size have better competitive abilities, longer lifespan and better intelligence to avoid predators, ठीक है। तो सिंपल ऐसे कोप्स ने मतलब ऐसे करके एक्सप्लेनेशन दी थी और उन्होंने ऐसा बोला कि बॉडी साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब सेकेंड, इसके बाद आता है सेकेंड हमारे पास आता है डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। सेकेंड आता है डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे कि लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी मतलब इन्होंने सिंपल बोला कि जैसे कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसका एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब वो ऑर्गेनिज्म कभी भी अपने फॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता, इवन अगर उसको क्या करता है वैसे नॉर्मल कंडीशन क्यों नहीं देते, फिर भी वो कभी भी अपने फॉर्मल स्टेट में नहीं आता। तो सिंपल एक एवोल्यूशन यहाँ पे क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म में एवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है तो वो क्या करेगा कभी अपने पहले वाली स्टेट में नहीं आ सकता, इवन अगर उसको हम पहले वाली सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्यों ना रख दे फिर भी वापस वो फॉर्मल स्टेट में नहीं आ सकता। तो सिंपल सा प्रिंसिपल था लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसको डोलोस प्रिंसिपल भी बोलता है, डोलोस प्रिंसिपल या फिर डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें लिखो एन ऑर्गेनिज्म never returns exactly to former state even if it finds itself placed in conditions of existence identical to those which it has previously lived। तो सिंपल यहाँ पे आता है डोलोस लॉ ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। थर्ड यहाँ पर आता है वैन वैलेंस लॉ। वैन वैलेंस लॉ यहाँ पे था लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, वैन वैलेंस लॉ। अच्छा, वैन वैलेन का नाम हमने पहले भी किया ना, कहाँ पर पढ़ा? किसी को भी नहीं आता हमने कहाँ पे पढ़ा है वैन वैलेंस? हाँ, पढ़ा तो है, कहाँ पे पढ़ा है? जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट है किसी को याद है वैन वैलेंस कहाँ पे पढ़ा था? बताओ कहाँ पे पढ़ा था? रेड क्वीन हाइपोथेसिस की थी, तो रेड क्वीन हाइपोथेसिस किसने दी थी? वैन वैलेंस ने तो दी थी ना, रेड क्वीन और एलिस थ्रू द लुकिंग ग्लास वैन वैलेंस ने दी थी, ठीक है, वैन वैलेंस। अब इन्होंने यहाँ पे एक और लोग मतलब एक लोग यहाँ पे दिया था लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन। अब लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन में सिंपल बोला कि मतलब जो एक्सटिंक्शन होता है ना किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज का एक कांस्टेंट रेट से एक्सटिंक्शन होता है। हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है एक कांस्टेंट रेट से उसका एक्सटिंक्शन वहां पर होता है। अब ये जो रेट होता है रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है ना, ये इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि उसका लाइफ स्पेन कितना है या फिर लाइफ टाइम उसकी कितनी है। लाइफ टाइम उसके कितने भी हो, लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म का एक जो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी जो एक्सटिंक्शन की होती है कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में एक रेट ऑफ एक्सटिंक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सिंपल बोला उसको लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे बोला कि एक्सटिंक्शन किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक कांस्टेंट रेट से होता रहता है, उसका लाइफ टाइम कितना भी, उसका लाइफ स्पैन कितना भी हो, लेकिन उसका जो पूरी मतलब ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्शन वहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट रेट से वहाँ पे चलता है, ठीक है। लिखो इसमें There is constant, हाँ जी, ये सब ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड होगा, ये लॉ सब ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है कि हर एक ऑर्गेनिज्म या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज का एक्सटिंक्शन एक कांस्टेंट रेट से चलता है, तो प्रोबेबिलिटी वहां पे कांस्टेंट रहती है किसी भी स्पीशीज के एक्सटिंक्शन की। तो मैम बट ये बोलो मैम, जैसे कि लमार्किज्म में हमने किया था कि ये बॉडी साइज वाला, तो मैम ये हमने कहा था काफी हद तक सही नहीं है, तो फिर ये लॉ के अकॉर्डिंग तो वो देखो वो जो कोप्स लॉ किया था ना बॉडी साइज वाला, तो हमने कोप्स लॉ किया था ना, कोप्स ने मतलब ऐसे करके बोला था कि एवोल्यूशन के साथ साथ मतलब वहाँ पे पॉपुलेशन लिनेज का साइज वहाँ पे क्या करते हैं इंक्रीज करता है। लेमार्क ने बोला था कि हाँ देखो लैमार्क ने भी ये चीज बोली थी, मतलब देखो ये यहाँ पे लॉज थी हैं, लॉज मतलब ऐसा नहीं कि 100% यहाँ पे एप्लीकेबल हो गई होंगे, एक्सेप्शन तो वहाँ पे होते ही हैं। मतलब ऐसा है कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि एवोल्यूशन के साथ साथ वहाँ पे क्या करता है साइज वहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। देखो लेकिन ये वाला जो लॉ है ये सिर्फ मैमल्स के लिए एप्लीकेबल किया हमने, जो कोप्स लॉ हमने किया मैमल्स के लिए किया, लेकिन जो लैमार्क ने बोला था लैमार्क ने सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बात बोली थी कि वहाँ पे बॉडी साइज के कहते हैं इंक्रीज करते, उसने कुछ स्पेसिफिक नहीं किया। कोप्स लॉ ने कि ये सिर्फ मैमल्स के लिए एप्लीकेबल है, अगर हम कोई और एग्जांपल यहाँ पे देखते तो वहाँ पे ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। बट मैमल्स के बोलो सर, जैसे वो कैट का एग्जांपल लेते थे, कैट का एग्जांपल हम लेते थे, तो उसमें भी ये तो नॉर्मल है, या फिर ऐसे कि काफियों में चलता है ये लॉ और काफियों में 2-4 में नहीं चलता। ये सिंपल वही चीज है कि लॉ यहाँ पे ऐसा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, 100% ऐसा नहीं कि सारी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, बट एक जनरल एक मतलब जनरल स्टेटमेंट देखे तो ऐसा है कि एवोल्यूशन के साथ साथ बॉडी साइज इंक्रीज करता है, बट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे कि जहाँ पे बॉडी साइज इंक्रीज नहीं भी किया, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ नहीं है, यूनिवर्सल होता तब हम बोलते कि सब जगह एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल लॉ नहीं है ये, ठीक है। एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन में सिंपल यहाँ पे था कि यहाँ पे कांस्टेंट रेट यहाँ पे किसका एक्सटिंक्शन का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे होते हैं, कांस्टेंट रेट से यहाँ पे एक्सटिंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें लिखो देयर इज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन इन अ फैमिली ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म based on data compiled from family of related organism based on data compiled from existing literature on fossil record मतलब जो यहाँ पे वैन वैलेंस ने जो ये लॉ दिया था, इन्होंने कैसे दिया था कि जो भी फॉसिल रिकॉर्ड्स है उनको स्टडी करके वहां पे जो भी मेंशन किया हुआ है पूरा डेटा कंपाइल करके, फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि हर एक मतलब स्पीशीज में हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है उसके जो कॉन्स्टेंट रेट आता है उसका किसका एक्सटिंक्शन का, ठीक है। लिखो इसमें आगे he proposed probability of extinction does not depend on lifetime of population. Instead remains constant over millions of years for a given population, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ यहाँ पर आता है, नेक्स्ट आता है ओकम्स प्रिंसिपल। ओकम्स प्रिंसिपल, ठीक है। अब सिंपल उन्होंने ये बोला कि जैसे हम क्या करते हैं, जैसे किसी चीज की अक्रेंस के हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। जैसे कोई भी हाइपोथेसिस या फिर कुछ भी हम करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, उसके अगर हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशन है तो उसमें से जो सबसे सिंपल वाली होती है ना वो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट वहां पर होती है। मतलब हम चूज किसको करते हैं, सबसे सिंपल वाली को करते हैं। सिंपल सा लो कि यहाँ पे क्या बोला कि अगर कोई भी किसी भी चीज की अक्रेंस या फिर कोई भी थ्योरी की या फिर कोई भी प्रॉब्लम की अगर वहाँ पे क्या होता है हमारे पास 2 एक्सप्लेनेशन वहाँ पर आती है, तो जो सिंपल स्टेटमेंट होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड कौन से होते हैं, जो सिंपल स्टेटमेंट उसके लिए वहां पर होती है, ठीक है। इसमें लिखो इफ सपोज 2 एक्सप्लेनेशंस आर अवेलेबल for an occurrence, then the simpler one is usually better. Simple solution is always right. ठीक है, तो ये सिंपल था यहाँ पे ओकम्स प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये चार लॉ यहाँ पर आता है। फर्स्ट यहाँ पे कोप्स लॉ, यहाँ पे मैमल के लिए एप्लीकेबल होगा, मतलब यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है। सेकंड डोलोस लॉ में था। डोलोस लॉ में क्या था कि यहाँ पे एक बार किसी का एवोल्यूशन होगा तो वापस से रिवर्सिबल नहीं होता, वापस अगर उसको सेम कंडीशन में भी रखे तो सेम नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वैन वैलेंस ने क्या बोला कि यहाँ पे कांस्टेंट रेट ऑफ यहाँ पे क्या रहता है, एक्सटिंक्शन का यहाँ पे रहता है। ओकम्स से सिंपल दिया कि अगर किसी भी चीज की अक्रेंस की तो एक्सप्लेनेशन वहाँ पर है, तो जो सिंपल वाली होती है वो बेटर होती है। सिंपल सोल्यूशन ही कैसा होता है वहाँ पे ऑलवेज राइट वहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार यहाँ पे क्या था, लॉज यहाँ पर आते हैं। अब इसको नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के एवोल्यूशन करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सेकेंड यहाँ पर आता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। थर्ड यहाँ पर आता है पैरेलल एवोल्यूशन। फोर्थ यहाँ पर होता है को एवोल्यूशन। ठीक है, फोर्थ यहाँ पर होगा को एवोल्यूशन। फिफ्थ यहाँ पर आता है माइक्रो एवोल्यूशन। सिक्स्थ यहाँ पर होगा मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, सिक्स्थ यहाँ पर आता है मैक्रो एवोल्यूशन। एंड नेक्स्ट सेवेंथ यहाँ पर होता है न्यूट्रल एवोल्यूशन। ठीक है, टोटल यहाँ पे 7 टाइप के एवोल्यूशन करेंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, को एवोल्यूशन, माइक्रो एवोल्यूशन, मैक्रो एवोल्यूशन एंड न्यूट्रल एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो न्यूट्रल एवोल्यूशन है ना, न्यूट्रल एवोल्यूशन हमारा पार्ट होता है मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का। न्यूट्रल एवोल्यूशन बेसिकली यहाँ पे मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन यहाँ पर आता है। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन मतलब यहाँ पे हम जेनेटिक लेवल की बात यहाँ पे करते हैं। एवोल्यूशन में बेसिकली जेनेटिक लेवल की यहाँ पे बात होगी। ठीक है, तो न्यूट्रल एवोल्यूशन अभी मतलब बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल, कोएवोल्यूशन, माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे, फिर उसके बाद में करेंगे न्यूट्रल एवोल्यूशन करेंगे। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन अलग से पूरा कंसेप्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन से क्वेश्चन यहाँ पर आता है। मोटो किमोरे की थ्योरी यहाँ पर आती है, उन्होंने ये थ्योरी दी थी मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, न्यूट्रल एवोल्यूशन का। तो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन को भी देखेंगे, म्यूटेशन के रिस्पेक्ट में नेचुरल सिलेक्शन का अप्लाई होता है, मतलब सब कुछ पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दोबारा से आएगा एवोल्यूशन का। ठीक है, तो इसको तो अलग से करेंगे, बट अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे करते हैं कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, को एवोल्यूशन और उसके बाद फिर यहाँ पर आता है पैरेलल, माइक्रो, मैक्रो एवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अच्छा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ये सब तो टर्म्स अपने पहले की भी होंगी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल एवोल्यूशन, कोएवोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पर आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अच्छा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होगा? डाइवर्ज होना, ठीक है। डाइवर्जेंस का सिंपल बताओ। देखो डाइवर्जन और कन्वर्जेंट का सिंपल देखिए ना। डाइवर्जन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट से क्या करना है, यहाँ पे स्प्रेड हो जाना, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, ठीक है। डाइवर्जन का सिंपल मतलब होता है कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट से क्या करना है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाना, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। कन्वर्जेंट इसका अपोजिट होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन से एक पॉइंट पे आके मीट करना, ठीक है। डाइवर्जेंस मतलब डाइवर्ज, हाँ, डार्विन फिंचेस, ठीक है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एग्जांपल से डार्विन फिंचेस भी आता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से डाइवर्ज करना, वहां पे क्या कहते हैं, एक पॉइंट पे आके मीट करना, वो कन्वर्जेंट वहां पर होता है। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भी क्या हुआ कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक हैबिटेट यहाँ पे था, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही थी और वो पॉपुलेशन क्या की, यहाँ पे डाइवर्ज करके ना किसी न्यू अलग अलग डिफरेंट हैबिटेट में चली गई, ठीक है। ये अलग हैबिटेट में यहाँ से जो स्पीशीज आ रही है वो कैसे जा रही है, अलग अलग हैबिटेट में यहाँ पे जा रही है, ठीक है। सिंपल क्या, एक जगह पे पहले क्या थी, स्पीशीज सारी एक साथ रहती थी, बट वो क्या किया, डाइवर्जेंस वहां पर हुआ। डाइवर्जेंस से वो कहाँ पे चलेगी, अलग अलग डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट हैबिटेट में, डिफरेंट हैबिटेट में जाके डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन उनको फेस करना पड़ रहा है, कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट होगी, फूड यहाँ पे अलग अलग होगा, उनके सारे फूड हैबिट्स मतलब सारी हैबिट्स यहाँ पे चेंज कर रही है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल कंडीशन सब हैबिटेट में यहाँ पे अलग अलग हो रही है। अब जिससे ये जो स्पीशीज है ये आपस में कैसे होगी, डिफरेंट यहाँ पर होगी, इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे कॉमन क्या है, इन सबका एंसेस्टर, एंसेस्टर यहाँ पे क्या होगा, कॉमन यहाँ पर होगा, ठीक है। ये जो तीनों यहाँ पे डाइवर्ज करके गई है, सबका एंसेस्टर यहाँ पे कॉमन है, लेकिन एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट है, सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस वहाँ पर आता है, डिफरेंसेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब ये बेसिकली तीन डिफरेंट स्पीशीज यहाँ पे बन गए, किस वजह से, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे डिफरेंट हो रही है। इसी को क्या बोलता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्योंकि इन सबका एंसेस्टर यहाँ पे क्या होता है, कॉमन यहाँ पर होता है, एंसेस्टर कॉमन है। डाइवर्ज करके क्या करते हैं, न्यू प्लेसेस पे जाए, न्यू प्लेसेस पे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन है, कंडीशन डिफरेंट होने की वजह से सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट है तो वहाँ पे इनका वेरिएशंस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को सिंपल क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। अब इसमें जैसे एग्जांपल क्या जाता है, एग्जांपल इसमें डार्विन फिंचेस। अब डार्विन फिंचेस में भी यही हुआ था कि वहाँ पे जो फिंचेस थी वो बेसिकली थी कहाँ पे, मेनलैंड पे थी। मेनलैंड से वो क्या है कि गैलापागोस आइलैंड पे वहाँ पे माइग्रेट करके डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे वहाँ पे गए, तो वहाँ पे भी क्या उन सबका एंसेस्टर कॉमन है, लेकिन अलग अलग हैबिटेट में डाइवर्ज होने की वजह से उनमें कैरेक्टर्स वहाँ पे डिफरेंट हो गए, कैरेक्टर्स डिफरेंट है तो इसलिए वहाँ पे उनका मतलब एक अलग स्पीशीज बेसिकली वहाँ पे बन रही है, ठीक है। इसको सिंपल क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है ना, इसका जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज होमोलोगस ऑर्गन। रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका कैसा होता है, फंक्शन वहां पे डिफरेंट होता है, ठीक है। होमोलोगस ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि जहाँ पे ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन वहां पे फंक्शन डिफरेंट वहां पर होता है, ठीक है। अब देखो स्ट्रक्चर सेम, आशा में क्या हुआ मैम, वो बिग साइज तो उसमें चेंज था ना, शेप भी, तो फिर कैसे देखो, हाँ वो भी करता है, ठीक है। बिग साइज वहाँ पे अलग था। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन उनका कैसा होता है, फंक्शन डिफरेंट वहाँ पर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, जो डार्विन फिंचेस होता है ना, डार्विन फिंचेस का जो एग्जाम्पल है ना, हम इसको डाइवर्जेंट में भी करते हैं, ये हमारा कन्वर्जेंट में भी आता है। कन्वर्जेंट भी जब हम करेंगे ना तो उसको फिर दोबारा से डार्विन फिंचेस को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देखो एक चीज समझो, अभी यहाँ पे क्या, यहाँ से जब स्पीशीज माइग्रेट करके यहाँ पे गई है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन माइग्रेट करके यहाँ पे अलग अलग उसमें, ठीक है, ये तो किसमें हो रहा है, यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आता है। अब ना ऐसा होता है देखो, अब इसी एक एरिया में यहाँ पर हमारे यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आता है। अब जैसे अगर हम बीक का करें ना, बीक का जो एग्जाम्पल है, डार्विन की मतलब फिंचेस बीक का जो एग्जाम्पल है वो हमारे किसके होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन सबका फंक्शन सेम है। फंक्शन वहाँ पे सबका क्या, फूड ईट करना, लेकिन वहाँ पे स्ट्रक्चर उनका क्या हो रहा है, सबका डिफरेंट वहाँ पर होता है। तो वो किस वजह से, क्योंकि वो सेम प्लेस में वहाँ पर रही है, सेम प्लेस में आने की वजह से इसलिए वहाँ पे उनका क्या हो गया कि बीक का साइज तो वहाँ पे अलग अलग है लेकिन फंक्शन वहाँ पे सेम रहा, क्या करने का, वहाँ पे फूड ईटिंग का। तो एक ही प्लेस पे अगर वहाँ पे क्या कहता है, मोर देन वन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है ना, मतलब एक से ज्यादा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसी एक एरिया में देखने को मिलता है ना, तो वो क्या बन जाता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे इस एक एरिया में यहाँ से भी स्पीशीज आ रही है या फिर कहीं और से भी स्पीशीज यहाँ पर है, तो इस एरिया में वो स्पीशीज क्या बन जाएगी, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन वहाँ पे बन जाएगी। तो डार्विन फिंचेस का अगर हम एक का सिंपल एग्जांपल लेके चलता है तो वो तो वहाँ पे डाइवर्जेंस वहाँ पर हो रही है, लेकिन अगर एक ही हैबिटेट में अलग अलग एरिया से फिंचेस वहाँ पर आ रहे तो वहाँ पे क्या बन रहा है, वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का एग्जाम्पल बन रहा है कि अगर एक से ज्यादा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होता है किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में तो वो क्या बन जाता है, एग्जांपल बन जाता है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का। ठीक है, तो वो जो बीक वाला आता है ना, वो बीक हमारा बीक वाला एग्जांपल हमारा होमोलोगस ऑर्गन में नहीं है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रक्चर वहाँ पे सबका डिफरेंट वहाँ पर हो रहा है। हम जनरली वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मतलब वहाँ पे जो बर्ड्स है, बर्ड्स का हम ये बोल सकते हैं सबका एंसेस्टर कॉमन है, एंसेस्टर कॉमन है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लेसेस पे गए तो वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, डार्विन फिंचेस का जो एग्जांपल होगा ना वो इस बेसिस पे ऐसे जाएगा कि वहां पे क्या था, उनका एंसेस्टर कॉमन है, एंसेस्टर कॉमन होने की वजह से वो अलग अलग प्लेसेस में, मतलब जैसे वो अलग अलग प्लेसेस पे गए तो इस वजह से उनमें वेरिएशन वहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, इसी का रिजल्ट हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या था, होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पे आता है। होमोलोगस ऑर्गन हम कैसे कंपेयर करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, स्ट्रक्चर वहाँ पे उनके सेम होता है लेकिन सबका फंक्शन यहाँ पे कैसा होता है, अलग अलग यहाँ पर होता है। इसमें एग्जाम्पल जैसे क्या जाता है, बॉन्स में कैसे पेंटाडक्टाइली, फोर लिम्स, हाँ, बर्ड्स एंड मैमल्स, फोर लिम्स और बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, बर्ड्स एंड मैमल्स में क्या होता है, उनके फोरलिम का कैसा होता है, स्ट्रक्चर वहाँ पे सेम होता है, स्ट्रक्चर सेम कैसे कि उनका बोन पैटर्न वहाँ पे सेम है कि सब में वहाँ पे कैसा है, ह्यूमरस, रेडिया, अल्ना, फिर मेटाकार्पल्स आते हैं, फेलेंजेस आते हैं, कार्पल्स आते हैं, ये सब वहाँ पे कैसे रहते हैं, सेम होती है, मतलब बोन का स्ट्रक्चर सबका सेम है लेकिन वहाँ पे क्या होता है उनका फंक्शन कैसा डिफरेंट है। बर्ड क्या करते हैं, उसको किस लिए यूज करते हैं, फ्लाई करने के लिए यूज करते हैं, क्या करते हैं जो मैमल्स होते हैं उसको किसी डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं, बट इनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटी क्या शो करता है कि वहाँ पे उनका एंसेस्टर कैसे रहता है, कुछ ना कुछ कॉमन एंसेस्टर थे इसलिए वहाँ से कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्जेंस हो। जैसे देखो सिंपल हम इसको वैसे समझ सकते हैं, वर्टिब्रेटा में हमारे पास 5 क्लासेस होती है ना, पहला वहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले फिशेस वहाँ पर आता है, पाइसेस आता है, फिशेस के बाद फिर वहाँ पे एम्फीबियंस आता है, एम्फीबियंस के बाद फिर वहाँ पे क्या आता है, रेप्टाइल्स आता है, रेप्टाइल्स से ही फिर वहाँ पे बर्ड्स और फिर वहाँ पे क्या बनता है, मैमल्स बनता है। मतलब रेप्टाइल कॉमन एंसेस्टर होता है किसका, बर्ड्स के लिए और मैमल्स के लिए, ऐसा नहीं होता कि बर्ड्स से आगे मैमल्स नहीं है, मैमल्स भी किससे आता है, रेप्टाइल से यहाँ पर आता है। तो रेप्टाइल में क्या है कि कुछ स्पीशीज उसके किस में कन्वर्ट हुई है, किसमें एवोल्यूशन है उनका, बर्ड्स में हुआ, कुछ का वहाँ पे क्या हुआ, मैमल्स में हुआ, तो अब उनके एंसेस्टर कॉमन है इसी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी वहाँ पे देखने को मिल रही है, और डिफरेंसेस क्यों देखने को मिल रहा है क्योंकि उनका हैबिटेट वहाँ पे अलग अलग है, इसमें वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डिफरेंसेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब उन्होंने उस ऑर्गन का यूज किसी और पर्पज के लिए वहाँ पे किया जिस एनवायरमेंट में वहाँ पे रहता है, जिसके लिए उनकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट वहाँ पे थी। ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल किसमें आ जाता है, एग्जाम्पल होमोलोगस ऑर्गन में यहाँ पे कि फोर लिम्स की बात करता है, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स किसमें आता है, यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है इसका होमोलोगस ऑर्गन का। ठीक है, अच्छा इसमें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में 1-2 लाइन्स लिख लो। It exhibit divergent evolution exhibit when two populations become separated by geographical barrier। अच्छा हमने isolation कौन से टाइप ऑफ स्पेसिएशन में किया था, ज्योग्राफिकल बैरियर से, एलोपैट्रिक में किया था, हाँ एलोपैट्रिक, और हमने एक और किया था ना कि वहां पर भी हो सकता है पेरीपैट्रिक। तो बेसिकली जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है इसमें हमारा क्या आ जाता है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन आ सकता है और किसमें आता है यहाँ पे पेरीपैट्रिक, क्योंकि वहां पर भी करें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वहां पर हो रही है। ठीक है, तो वो डाइवर्जेंट में यहाँ पे आता है कि एलोपैट्रिक स्पेसिएशन भी वहां पर भी कैसे हो रहा है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वहां पर हो रहा है। ठीक है, and experience different selection pressure that derive populations to adapt in new environment। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे, दो डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर वहाँ पर हो रहा है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन होने की वजह से वहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग एडेप्टेशन वहाँ पर आ रही है। ठीक है, अब वो दो डिफरेंट स्पीशीज में वहाँ पे बन रहा है, मतलब वो दोनों अब आपस में मतलब ब्रीडिंग वहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, अनेबल टू ब्रीड होंगे, दोनों स्पीशीज वहाँ पर जो होंगी, अब ये किसका एग्जाम्पल होता है, किसमें डाइवर्जेंट में यहाँ पर आता है कि पहले एक ही प्लेस पे थे, एंसेस्टर कॉमन मतलब एक ही जगह पे थे, पर डाइवर्ज करके किसी दूसरे प्लेसेस में वहां पर चले गए, तो वहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स वहाँ पर है। बट इनमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। फंक्शनली कैसे होता है, डिसिमिलर होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर यहाँ पर होता है, और इसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट होमोलोगस ऑर्गन की स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी यहाँ पर होगी, लेकिन वहाँ पे कैसा होता है, फंक्शनली डिसिमिलर वहाँ पर होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी या फिर उसको क्या बोल सकता है, एनाटॉमिकली सिमिलरिटी वहाँ पर होंगे। ठीक है, एनाटॉमिकली सिमिलर होंगे, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। एग्जांपल जैसे फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स, मैमल्स और बैट्स। बैट्स में भी आता है, बैट्स में भी सेम उनका सेम ही होता है कि वो भी क्या करता है, फ्लाई करने के लिए अपना यूज करता है, और लेकिन उनका स्ट्रक्चर सिमिलरिटी कैसे होती है, स्ट्रक्चर भी कैसे होता है, सिमिलर होता है, फंक्शनली डिसिमिलर यहाँ पर आता है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, एक प्लेस से डाइवर्ज करना डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में रेडिएट कर जाना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हमें एक बार इसकी एग्जांपल बोलना। फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स, मैमल्स एंड बैट्स। नेक्स्ट अब यहाँ पर आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, अब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होगा कि एक हैबिटेट है, यहाँ से कुछ स्पीशीज यहाँ पर आ रही है, देखो मतलब ए बी, अब ये सारी स्पीशीज क्या करिए, अलग अलग डायरेक्शन से आएंगे, मतलब अलग अलग एरिया से, बट वो कहाँ पर है, कॉमन प्लेस पर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, कॉमन प्लेस पर माइग्रेट करके कहीं से जो स्पीशीज है एक कॉमन प्लेस पर यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पे वो क्या फेस कर रही है, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस यहाँ पे फेवर कर रही है। ठीक है, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन फेस यहाँ पे कर रही है, तो यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, उनमें मतलब फंक्शनल सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, और इस टाइप की एवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट। कि सिंपल क्या है कि डिफरेंट डायरेक्शन से स्पीशीज क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक ही प्लेस पर आता है, कॉमन प्लेस पर आता है, कॉमन प्लेस पे सेम सिलेक्शन प्रेशर को वो फेस कर रहा है, तो वहां पे उनका जो एवोल्यूशन होगा वो भी कैसा रहता है, यहाँ पे सेम होता है, मतलब फंक्शनली सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, इस टाइप का एवोल्यूशन यहाँ पे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पर होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, इनका रिजल्ट यहाँ पर होता है एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा इनके ना एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल से क्वेश्चन आ जाता है। अभी फैब में भी ना एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, मतलब इजी, इतने इजी मतलब क्वेश्चन पे आ जाता है, एनालॉगस ऑर्गन से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट यहाँ पर होता है एनालॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस ऑर्गन क्या होगा, अपोजिट टू होमोलोगस होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होंगे, बट ये फंक्शनली सिमिलर यहाँ पर होंगे। फंक्शन सेम होगा, लेकिन इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफरेंट होगा। फंक्शन सेम इसलिए क्योंकि किसको यहाँ पे रहता है, सेम हैबिटेट में रहते हैं, सेम सिलेक्शन प्रेशर यहाँ पर होता है, सेम एनवायरमेंटल कंडीशन को ये फेस करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे क्या इनमें फंक्शनली सिमिलरिटी देखने को मिलती है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे होता है, डिफरेंट। स्ट्रक्चर डिफरेंट क्यों, क्योंकि इनके एंसेस्टर डिफरेंट है, कि ए का एंसेस्टर अलग होगा, बी का एंसेस्टर अलग है, सी का अलग है, डी का अलग। तो चारों जो यहाँ पे एबीसीडी स्पीशीज यहाँ पर है, चारों का एंसेस्टर यहाँ पे डिफरेंट है। एंसेस्टर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, इनमें फंक्शनली सिमिलर और स्ट्रक्चरली कैसे होता है, डिसिमिलर यहाँ पर होता है, और ऑर्गन यहाँ पे कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन होता है। एग्जाम्पल बता सकता है एनालॉगस ऑर्गन का, फ्लिपर्स। ठीक है, यहाँ पे फिन्स, फिन्स ऑफ व्हील्स एंड डॉल्फिन। नहीं, वो तो हमने उसमें कर लिया ना, होमोलोगस में। मैम, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस एग्जांपल आता। ठीक है, एक एग्जांपल लिखो, आई ऑफ ह्यूमन एंड ऑक्टोपस। ह्यूमन एंड ऑक्टोपस की आई में डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, लेकिन फंक्शन सेम है। ठीक है, फंक्शन वही है कि विजन का फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा एक इसमें आ जाता है क्या होगा, बटरफ्लाई एंड बैट, विंग्स ऑफ। हाँ ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बैट्स, मतलब विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बटरफ्लाई एंड बैट्स। इन सब में भी मतलब विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट, मतलब इन सब में भी क्या होगा, यहाँ पे इन सब का फंक्शन सेम है, फ्लाई करना, लेकिन सबके स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट यहाँ पर होता है। अच्छा एक इसमें आ जाएगा, फिन्स ऑफ डॉल्फिन, नेक्स्ट लिखो फिन्स ऑफ डॉल्फिन एंड व्हेल, डॉल्फिन एंड शार्क, डॉल्फिन शार्क व्हेल सब आ जाता है वैसे फिन्स में। अच्छा शार्क, शार्क क्या है? मैमल। शार्क फिश है। फिश में भी कौन सी फिश है पता है? दो टाइप की फिशेस होती है ना, एक होती है बोनी फिशेस होती है, एक कार्टिलेजनस फिशेस होती है। शार्क कार्टिलेजनस फिशेस में आता है, शार्क फिश है कार्टिलेजनस फिशेस में आती है शार्क। डॉल्फिन और व्हेल मैमल्स है, डॉल्फिन और व्हेल्स मैमल्स होते हैं, शार्क फिश है कार्टिलेजनस फिश यहाँ पर होती है। ठीक है, इनके जो फिन्स होते हैं फ्लिपर जो होता है फंक्शन सेम है कि स्विमिंग में हेल्प करता है, लेकिन इनमें स्ट्रक्चरली कैसे तो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फंक्शन सेम है और फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। और इसमें एग्जांपल आ जाता है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की, स्टेम, पोटैटो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन है। अब दोनों में स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन क्या है? फूड स्टोरेज। फंक्शन दोनों का सिमिलर है, फूड स्टोरेज। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसके आते हैं? यहाँ पे एनालॉगस ऑर्गन के यहाँ पे एग्जाम्पल आता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पे होमोलोगस और एनालॉगस के क्या क्या यहाँ पे एग्जाम्पल कौन से यहाँ पर होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक टर्म यहाँ पर आती है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में, एक टर्म यहाँ पर होते हैं होमोप्लासी। यहाँ पर टर्म आती है होमोप्लासी। होमोप्लासी होता है हमारे पास सिमिलैरिटी अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसा अनरिलेटेड है? अनरिलेटेड मतलब इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, उनके बीच में जो भी सिमिलैरिटी यहाँ पर होती है उसके लिए हम टर्म यहाँ पे यूज करते हैं होमोप्लासी। अब जैसे सिमिलैरिटी अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, ये किसका रिजल्ट होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, क्योंकि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म्स है उनके उनमें क्या है? सिमिलैरिटी है। ठीक है, तो किसका रिजल्ट यहाँ पर होगा? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का रिजल्ट होता है कि वहाँ पे अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है, तो उसके लिए टर्म यूज करता है होमोप्लासी। ठीक है, होमोप्लासी टर्म होती है कि जब भी अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में कुछ भी सिमिलैरिटी वहाँ पे देखने को मिलती है। जैसे हमने इतने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे किया ना कि जैसे अभी पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, दोनों यहाँ पे क्या अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म है बट इनमें क्या सिमिलैरिटी देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होमोप्लासी को शो करते हैं ये। ठीक है, होमोप्लासी यहाँ पे यूज कर टर्म यहाँ पर होते हैं होमोप्लासी। ठीक है, अब इसके बाद मतलब ये तो हमारे यहाँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब नेक्स्ट करते हैं को इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है कोएवोल्यूशन। कोएवोल्यूशन वैसे हमने पहले भी किया, रेड क्वीन हाइपोथेसिस हमने की थी। ठीक है, कोएवोल्यूशन यहाँ पे तो सिंपल यहाँ पे कहते हैं कि जो दो स्पीशीज यहाँ पे क्या करते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है और उनका एवोल्यूशन कैसे होता है साथ साथ वहाँ पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोएवोल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे दो स्पीशीज यहाँ पर होंगी, टू स्पीशीज रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंसेस each other's evolution। ठीक है, रेसिप्रोकली वो क्या करती हैं? एक दूसरे के एवोल्यूशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? को एवोल्यूशन यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब सिंपल जैसा एग्जांपल इसमें प्लांट हार्बीवोर्स का एग्जांपल भी हो सकता है कि हार्बीवोर वहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर फीड करता है। अब प्लांट में कुछ भी मॉर्फोलॉजिकली वहाँ पे चेंजेस वहाँ पर आता है तो हार्बीवोर को भी क्या करना होगा, वहाँ पे उसमें भी चेंजेस वहाँ पे होंगे, अगर उसको क्या करना उस प्लांट के ऊपर फीड वहाँ पे करना है। ठीक है, प्लांट एंड हार्बीवोर का एग्जाम्पल आ जाता है और इसमें प्री प्रीडेटर रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, पैरासाइट होस्ट यहाँ पर आता है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप यहाँ पर आ जाता है, मतलब ऐसे दो स्पीशीज जो एक दूसरे को रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस करती है, वो सब एग्जांपल आ जाता है किसमें, कोएवोल्यूशन। ठीक है, कि एक स्पीशीज वहाँ पे अगर कुछ ना कुछ चेंज वहाँ पे होता है तो दूसरे भी क्या करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस वहाँ पे करती है, तो एवोल्यूशनरी एक दूसरे को क्या करता है, अफेक्ट वहाँ पे करते हैं। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे बन जाता है, प्रे प्रीडेटर आ जाता है, होस्ट पैरासाइट होगा, प्लांट हार्बीवोर्स आता है। ठीक है, प्लांट पोलिनेटर का भी एग्जाम्पल आ जाता है, प्लांट पोलिनेटर, म्यूचुअलिस्टिक स्पीशीज भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये सब किसको शो करते हैं, को इवोल्यूशन को शो करते हैं। ठीक है, और को इवोल्यूशन से रिलेटेड रेड क्वीन हाइपोथेसिस आते हैं, वैन वैलेंस ने यहाँ पे क्या दी थी, रेड क्वीन हाइपोथेसिस यहाँ पे दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट आता है पैरेलल इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है पैरेलल इवोल्यूशन। अब पैरेलल इवोल्यूशन देखो क्या होता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास एक स्पीशीज थी, मतलब एक एंसेस्टर यहाँ पे थे, यहाँ से डाइवर्जेंस हुआ, ए और बी स्पीशीज यहाँ पे आई। ठीक है, अब ये जो ए और बी स्पीशीज है इनका यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे इनका कॉमन एंसेस्टर कोई स्पीशीज यहाँ पे थी, इस स्पीशीज का यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंस यहाँ पर होता है, डाइवर्जेंस से यहाँ पे क्या बनते हैं, ए और बी स्पीशीज यहाँ पे बनती है। अब ए यहाँ पे क्या है, एक नई हैबिटेट में रहती है, मतलब दोनों यहाँ पे डिफरेंट हैबिटेट में यहाँ पे रहती है, सरवाइव कर रही है। ए एंड बी हैबिटेट इनका यहाँ पे क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट हैबिटेट में यहाँ पे क्या करते हैं, ए एंड बी स्पीशीज यहाँ पे क्या कर रही है, सरवाइव कर रही है। बट जो डिफरेंट स्पीशीज मतलब डिफरेंट हैबिटेट है, डिफरेंट हैबिटेट में क्या है, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, मतलब जिस ये दूसरे हैबिटेट मतलब हैबिटेट उनका अलग अलग है, हैबिटेट अलग अलग है, लेकिन वहां पे सिलेक्शन प्रेशर वहां पे क्या है, सेम, मतलब दोनों क्या कर रही है, सेम सिलेक्शन प्रेशर को क्या कर रही है, फेस वहां पे कर रही है, मतलब वहां पे एनवायरमेंटल चेंज वहां पे कैसा रहा, सेम एनवायरमेंटल चेंज वहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि यहाँ पर जो ई और बी स्पीशीज यहाँ पर होती है, इनमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स यहाँ पे इनके बीच में क्या देखने को मिलती है, सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी यहाँ पे क्यों आ रही है, क्योंकि ये किसको फेस कर रहा है, सेम सिलेक्शन प्रेशर को फेस कर रहा है, डिफरेंट एंड हैबिटेट में रहता है, अलग अलग प्लेसेस में है, अलग अलग प्लेसेस में, बट वहां पे क्या है, क्या फेस कर रहा है, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन को फेस कर रहा है, सिमिलर कंडीशन वहां पे फेस कर रहा है, इस वजह से वहां पे कहते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स वहां पे देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि जो ए और बी स्पीशीज है इनका यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल इवोल्यूशन इनका यहाँ पर हुआ है। पैरेलल इवोल्यूशन सिंपल क्या, हैबिटेट अलग अलग है, ठीक है, डाइवर्ज करके गई है किसी दूसरे एरिया में, लेकिन वहां पे एनवायरमेंटल कंडीशन सेम होने की वजह से, सिलेक्शन प्रेशर सेम होने की वजह से वो क्या करते हैं, सेम, मतलब इनमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा वहां पे देखने को मिलती है, सिमिलरिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो सिंपल क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों स्पीशीज का यहाँ पे कहता है पैरेलल इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब देखो ये जो यहाँ पर होता है ना, जो पैरेलल इवोल्यूशन है, इसको ना सिंपल हम इसको किससे रिलेट कर सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से। कन्वर्जेंट से कैसे, क्योंकि वहां पर भी क्या था, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या था कि वहां पे क्या देखने को मिला था कि फंक्शनली वो स्पीशीज वहां पे कैसे थे, सिमिलर थे। सिमिलर कैसे, क्योंकि वो किसको फेस करते, सेम सिलेक्शन प्रेशर को फेस कर रहे। ठीक है, अब यहाँ पे भी स्पीशीज क्या करती है, सेम सिलेक्शन प्रेशर को फेस कर रहे, बट वो डिफरेंट एरिया में है, अलग अलग जगह पर है, लेकिन एनवायरमेंटल प्रेशर वहां पे कैसा सेम आ रहा है, सिलेक्शन प्रेशर सेम आ रहा है, तो इसलिए वहां पे क्या बन रहा है, सिमिलर वहां पर हो रही है। ठीक है, बस कन्वर्जेंट और जो यहाँ पे हमारा पैरेलल इवोल्यूशन होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्योंकि यहाँ पे दोनों स्पीशीज को क्या फेस करना पड़ रहा है, सेम सिलेक्शन प्रेशर, बट डिफरेंस वहां पे क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, लेकिन इन पैरेलल इवोल्यूशन इनका यहाँ पे क्या होता है, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे इनका क्या होगा, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, मतलब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता। जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था वहां पे था नो कॉमन एंसेस्टर, कि उनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, सेम क्या करता है, वो किसको फेस करता है, सिलेक्शन प्रेशर को फेस करता है, लेकिन पैरेलल इवोल्यूशन में क्या होता है, इनका कॉमन एंसेस्टर होता है और ये सेम सिलेक्शन प्रेशर को फेस करते हैं, तो उनमें क्या देखने को मिलता है, सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये किसमें आता है, पैरेलल इवोल्यूशन में आता है। अब यहाँ से क्वेश्चन ना ऐसे ही बन जाता है कि पैरेलल इवोल्यूशन और जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है दोनों में डिफरेंस यहाँ पे क्या है, तो डिफरेंस किसका आता है, यहाँ पे एंसेस्टर का आता है। कन्वर्जेंट में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होता, लेकिन जो पैरेलल होता है यहाँ पे इनका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर रहता है। ठीक है, इसमें लिखो पैरेलल इवोल्यूशन में इट इज डेवलपमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज, इट इज डेवलपमेंट ऑफ सिमिलैरिटीज in separate but related evolutionary lineages through the operation of similar selective factors on both lines। एनवायरमेंटल फैक्टर वहां पे कैसे आते हैं, सेम वहां पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो लाइन्स, LINES लाइन्स। नेक्स्ट लिखो two species have relatively recent common ancestor। पैरेलल इवोल्यूशन, नेक्स्ट लिखो पैरेलल इवोल्यूशन is similar to convergent evolution in that similar adaptations in different species similar adaptations arise in different species। Main difference is that in parallel evolution the two species have a relatively recent common ancestor। The two species have a relatively recent common ancestor। इसमें example लिखो parallel evolution of marsupial and placental mammals। ठीक है, दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट में थे, लेकिन वहां पे क्या हुआ, सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन फेस की, तो वहां पे क्या थे, बहुत सारी सिमिलैरिटीज वहां पे थे प्लेसेंटल एंड मार्सुपियल मैमल्स में। ठीक है, एग्जांपल किसका आता है, यह आता है पैरेलल इवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है इससे, और सिमिलैरिटी यहाँ पे क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, यहाँ पे नेक्स्ट करता एग्जांपल पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स। पैरेलल इवोल्यूशन ऑफ मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल्स। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है माइक्रो एंड मैक्रो इवोल्यूशन। नेक्स्ट आता माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन। अब देखो जो माइक्रो और मैक्रो एवोल्यूशन है ना, माइक्रो एवोल्यूशन जो होता है ना ये हमारा होता है एट स्पीशीज लेवल। स्पीशीज लेवल पे जो भी एवोल्यूशन देखने को मिलता है ना वो हम करते हैं माइक्रो एवोल्यूशन में, ठीक है, कि स्पीशीज लेवल पे कुछ भी चेंजेस वहां पे देखने को मिलते हैं, एक स्पीशीज में क्या क्या मॉडिफिकेशन वहां पर होते हैं वो सब किसमें आता है, माइक्रो एवोल्यूशन में आता है। और जो मैक्रो एवोल्यूशन होता है ना, मैक्रो एवोल्यूशन होता है अबव स्पीशीज लेवल, ये होता है अबव स्पीशीज लेवल। अबव स्पीशीज लेवल का मतलब कि यहाँ पर जो एवोल्यूशन हो कैसे ऊपर कैसे, जैसे मतलब कोई नई फैमिली वहां पर आती है या फिर कोई नया फाइलम आ जाता है, मतलब स्पीशीज लेवल से अबव, जैसे कोई नया जनरा कोई भी नया जीनस वहां पर आ जाता है, तो ये सब किसमें आता है, मैक्रो एवोल्यूशन में यहाँ पर आता है। मतलब लार्ज स्केल पे जो एवोल्यूशन होगा मैक्रो एवोल्यूशन, जो स्मॉल स्केल पे एवोल्यूशन होता है वो माइक्रो एवोल्यूशन यहाँ पर होता है। जब हम एक स्पीशीज की बात करते हैं कि कोई नई स्पीशीज वहां पे बन रही है तो माइक्रो एवोल्यूशन होगा, अगर कोई नया जीनस वहां पे बनता है, नई फाइलम वहां पर आता है, नई फैमिली वहां पे बनता है, तो ये सब किसमें आता है, मैक्रो एवोल्यूशन। कि लार्ज स्केल पे जो होगा मैक्रो होता है और स्मॉल स्केल पे यहाँ पे कैसा आता है हमारे पास, माइक्रो एवोल्यूशन यहाँ पर आता है, ठीक है। अब माइक्रो एवोल्यूशन यहाँ पे करता है ठीक है, माइक्रो एवोल्यूशन यहाँ पर होगा। अच्छा माइक्रो एवोल्यूशन जैसे देखो ये सिंपल से, जैसे अभी तक हमने किया ना, जैसे हमने एलोपैथिक स्पेसिएशन किया या फिर हमने कुछ जितने भी टाइप के स्पेसिएशन किए वो सब कैसे थे, स्पीशीज लेवल पे थे। कि एलोपैथिक स्पेसिएशन में क्या था, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हुआ, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से दो डिफरेंट स्पीशीज की फॉर्मेशन वहाँ पर होगी, ठीक है। फिर ऐसे करके वहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके से न्यू स्पीशीज वहाँ पे बन गए, तो नई स्पीशीज का मतलब वो सब किसमें था, माइक्रो में। कि यहाँ पे कैसे होता है कि यहाँ पे जैसे म्यूटेशन यहाँ पर हो जाती है, म्यूटेशन किसमें होता है, डीएनए सीक्वेंस पे कुछ भी म्यूटेशन वहाँ पर हो रही है जिससे वहाँ पे सिलेक्शन वहाँ पर लग रहा है, सिलेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या बनता है, कोई नई स्पीशीज वहाँ पे बन जाती है। तो यहाँ पर जो चेंज होता है वो चेंज कैसे आता है, एलीलिक और जेनेटिक फ्रिक्वेंसी में चेंज वहाँ पे देखने को मिलता है किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज में, और वो किस वजह से देखने को मिल रहा है, म्यूटेशन की वजह से या फिर नेचुरल सिलेक्शन की वजह से वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी में, जीन फ्रिक्वेंसी में चेंज देखने को मिलता है। तो जिस वजह से वहाँ पे नई स्पीशीज की फॉर्मेशन होती है वो सब हमारा किसमें आता है, माइक्रो एवोल्यूशन में यहाँ पर आता है, ठीक है। माइक्रो एवोल्यूशन में लिख लो, इट रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन DNA sequences and allelic frequencies within a species over time caused by genetic drift and natural selection एग्जाम्पल लिखो इसमें, एग्जाम्पल। अब ऐसे देखो इसमें क्या होता है कि जैसे नेक्स्ट जनरेशन में कुछ स्पीशीज वहाँ पे नहीं देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, बिटवीन वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या आ जाता है, एग्जांपल जैसे हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, ठीक है। स्पीशीज लेवल में वहाँ पे क्या हो रहा है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन वहाँ पर हो रही है, तो वो कहाँ पर हो रहा है, वो माइक्रो एवोल्यूशन का एग्जाम्पल होगा। तो एग्जाम्पल जैसे ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया आ जाता है, या फिर एग्जाम्पल इसमें पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पॉपुलेशन यहाँ पर होगा, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट यहाँ पे, ठीक है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट पेस्ट। मतलब एक तो ये जो एवोल्यूशन है वो कैसे हमें एक जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में देखने को मिलता है, कम टाइम मतलब इस एवोल्यूशन में कम टाइम यहाँ पे लगता है, स्पीशीज लेवल पे एवोल्यूशन यहाँ पर होता है, नई स्पीशीज की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। एग्जांपल में जैसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट आ जाता है, ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और नेक्स्ट यहाँ पे क्या जाता है, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो ऐसा जो एवोल्यूशन होता है स्पीशीज लेवल पे देखने को मिलता है, सिंपल किसमें आता है, माइक्रो एवोल्यूशन में होगा, ठीक है। अब इसमें अच्छा माइक्रो एवोल्यूशन के लिए रीजन यहाँ पे क्या क्या होगा, कौन कौन से फोर्सेज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगी, अगर हम देखें तो रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे म्यूटेशन हो सकती है। रीजन माइक्रो एवोल्यूशन क्या होगा, म्यूटेशन यहाँ पर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है, म्यूटेशन हो सकती है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पे क्या, नेचुरल सिलेक्शन। अभी हमने वैसे किया कि यहाँ पे किससे कॉज होता है, नेचुरल सिलेक्शन, और एक हमने क्या किया यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये सब रीजन होंगे कि जिसकी वजह से वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एक नई स्पीशीज के फॉर्मेशन वहाँ पर हो जाता है कि म्यूटेशन हो रहा है, या फिर उसके बाद वहाँ पे क्या कोई भी रिकॉम्बिनेशन वहाँ पर हो रहा है, नए कैरेक्टर्स वहाँ पर आता है, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है या फिर क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये सब आता है किसमें, इसके रीजन यहाँ पर होता है माइक्रोवोल्यूशन। माइक्रोवोल्यूशन और जो मैक्रोवोल्यूशन है ना, इनमें इनके डेफिनेशन से आ जाता है या फिर से कोई भी ऐसा मतलब कंडीशन बना के दे देंगे तो वहाँ पे पूछ लेंगे कि यहाँ पे कौन से टाइप का एवोल्यूशन हो रहा है, माइक्रोवोल्यूशन हो रहा है, मैक्रोवोल्यूशन हो रहा है, पैरेलल एवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्वेश्चन ऐसे ऐसे बन सकता है, कोई भी मतलब ऐसा बना के दे दिया कि यहाँ पे इस टाइप का एवोल्यूशन यहाँ पे लगता है, न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिल रही है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। या फिर आ सकता है रीजन से कि यहाँ पे जो माइक्रोवोल्यूशन है इसके लिए कौन कौन से रीजन यहाँ पर होता है, म्यूटेशन आता है, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे कहता है, अच्छा इसका एग्जाम्पल हम और कर सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियल मैलानिज्म वाला जो हमने किया था, इंडस्ट्रियल मैलानिज्म किया था ना, नेचुरल सिलेक्शन का किया था इंडस्ट्रियल मैलानिज्म में कि जहाँ पे डार्क मोथ और वहाँ पे व्हाइट कलर की लाइट कलर की मोथ वहाँ पे देखने को मिल रही थी, वो भी किसमें आ जाएगा, इसमें माइक्रो, कि वहाँ पे भी स्पीशीज लेवल पे सिर्फ एक एवोल्यूशन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं, नेक्स्ट आता है मैक्रो एवोल्यूशन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट यहाँ पर आता है मैक्रोवोल्यूशन। मैक्रोवोल्यूशन अबव स्पीशीज लेवल होगा, अबव स्पीशीज लेवल एवोल्यूशन यहाँ पे कैसे होता है, मैक्रो एवोल्यूशन यहाँ पर आता है, ठीक है। इसमें लिखो हायर लेवल सच एज such as evolution of new families, new phyla or new genera। अब ये मैक्रो एवोल्यूशन होगा क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा किसका, स्मॉलर चेंजेस का, कि स्मॉल चेंजेस वहाँ पे एक्यूमुलेट करते जाता है, तो फिर उसके बाद कुछ लार्ज स्केल पे वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एवोल्यूशन वहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब कुछ बड़े लेवल पे नई फाइलम वहाँ पे देखने को मिल सकता है, नई फैमिली देखने को मिल सकती है, या कोई भी नया जीनस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट रीजन वहाँ पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन, किसके, स्मॉल चेंजेस की एक्यूमुलेशन वहाँ पर होती है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसके भी रीजन पता है मैक्रो एवोल्यूशन के, तो मैक्रो एवोल्यूशन के रीजन यहाँ पे और क्या क्या बनेंगे, एक तो एक्यूमुलेशन हमने क्या कि स्मॉल चेंजेस एक्यूमुलेट करता है, इसके अलावा और क्या रीजन यहाँ पे हो सकता है, मतलब मैक्रो एवोल्यूशन किस वजह से होगा, जैसे हमने उसके अभी 4 रीजन किए थे ना कि म्यूटेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है, नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है, तो ऐसे मैक्रो एवोल्यूशन में क्या क्या हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट, कुछ बड़ा डिजास्टर वाला, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट में आ जाता है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी तो होता है कि नेचुरल डिजास्टर वहाँ पर हुआ है, ठीक है। और अच्छा वो चारों रीजन नहीं आ सकते मैक्रो एवोल्यूशन में, म्यूटेशन नहीं हो सकता, म्यूटेशन को स्मॉल चेंजेस का एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है कि म्यूटेशन होगी तभी तो वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं ना, तभी तो फिर एक्यूमुलेशन वहाँ पर होगा, हाँ तो चेंज आएगा तभी तो फिर वहाँ पे क्या होगा, नहीं मतलब नई स्पीशीज या फिर कोई नया जीनस वहाँ पे बन रहा है, जीनस में भी कैसे बनेगा जब वहाँ पे कुछ बड़े लेवल पे म्यूटेशन वहाँ पे देखने को मिल रही है, तो इसके लिए रीजन यहाँ पे कर सकता है, म्यूटेशन भी हो सकता है, सेम रिकॉम्बिनेशन भी तो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। देखो चेंजेस आने हैं, म्यूटेशन में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिकॉम्बिनेशन में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे जेनेटिक ड्रिफ्ट भी और ऐसे नेचुरल सिलेक्शन भी, तो ये चारों रीजन यहाँ पे। हम ये रिकॉम्बिनेशन तो हम बोल रहे हैं ना कि पहले स्पीशीज में आएगा फिर आगे वो, अच्छा आगे भी वो ट्रांसफर होगा, इसलिए देखो स्पीशीज में आएगा तभी तो फिर जैसे रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक टाइम के बाद तो कुछ मतलब बड़ा चेंज वहाँ पे बन ही जाएगा ना, मतलब वही कि पहले स्मॉल स्मॉल चेंजेस के एक्यूमुलेशन है, एक्यूमुलेशन के बाद फिर कुछ लार्ज चेंज वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लार्ज चेंज फिर क्या करता है, लार्ज एवोल्यूशन वहाँ पे करेगा लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यूटेशन आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन आ जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये देखो एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे चेंजेस होना है। तो चेंजेस के लिए तो ये चारों चीजें रिस्पॉन्सिबल है ना। वो तो ये है कि यहाँ पे क्या होगा माइक्रोवोल्यूशन में इन सब चेंजेस की एक्यूमुलेशन होगी, फिर वहाँ पे कुछ टाइम के बाद ये वाला जो माइक्रोवोल्यूशन है थोड़ा टाइम लेगा होने में। माइक्रोवोल्यूशन कैसा होता है, वो जल्दी हो जाएगा। माइक्रोवोल्यूशन में टाइम लगेगा क्योंकि वहाँ पे एक्यूमुलेशन होगी चेंजेस की, एक्यूमुलेशन के बाद फिर कुछ लार्ज स्केल पे हमें चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चारों रीजन यहाँ पर आता है जो किसको एक्सप्लेन करेंगे, माइक्रोवोल्यूशन को भी माइक्रोवोल्यूशन, दोनों में ही सेम यहाँ पर होता है, दोनों ही सेम रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर होता है, रीजन यहाँ पे सेम आता है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं, अभी अब नेक्स्ट आता है पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन, पैटर्न ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन। पैटर्न ऑफ मैक्रो एवोल्यूशन, ठीक है, मैक्रो एवोल्यूशन का पैटर्न यहाँ पर आता है। अब ये जो मैक्रो एवोल्यूशन होता है ना, हम इसको मतलब दो पैटर्न यहाँ पर आते हैं। ठीक है, दो पैटर्न यहाँ पे क्या होता है, एक तो हमारे पास यहाँ पर आता है, एक होता है पंचुएटेड इक्विलिब्रिया, पंचुएटेड इक्विलिब्रिया। पंचुएटेड इक्विलिब्रिया, ठीक है, और सेकंड यहां पर होता है ग्रेजुअलिज्म। पैटर्न यहाँ पे कैसा, दो यहाँ पे माइक्रोवोल्यूशन के दो पैटर्न यहाँ पर हो सकता है, एक यहाँ पे कैसा होता है ग्रेजुअलिज्म और दूसरा यहाँ पे क्या पंचुएटेड इक्विलिब्रिया। ठीक है, अब ग्रेजुअलिज्म देखो, ग्रेजुअलिज्म का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब धीरे धीरे करके चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस के वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन होने के बाद फिर वहाँ पे कुछ लार्ज चेंज वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि स्मॉल चेंजेस एक्यूमुलेट हुए, उसके बाद फिर जाके कुछ बड़ा चेंज वहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो तो सिंपल क्या होता है ग्रेजुअलिज्म, कि ग्रेजुअली वहाँ पे चेंजेस वहाँ पर आते हैं। ठीक है, अभी जो पंचुएटेड इक्विलिब्रियम यहाँ पर होता है ना, पंचुएटेड इक्विलिब्रियम में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो एवोल्यूशन है या फिर यहाँ पे जो लार्ज स्केल पे एवोल्यूशन देखने को मिलता है वो देखने को मिल रहा है बाय जर्क, एक झटके से वहां पे देखने को मिल रहा है। झटके से देखने का मतलब सिंपल क्या हुआ कि वहां पे क्या था कि पहले एक सेम मतलब एक सेम कैरेक्टर था, फिनोटाइप था, वो सारी पॉपुलेशन में अभी कॉमन फिनोटाइप वहां पे देखने को मिल रहा था। या फिर सिंपल हम क्या बोल सकते हैं कि एक पॉपुलेशन वहां पे कैसे थी, स्ट्रेसिस में थी। स्ट्रेसिस मतलब एक कॉन्स्टेंट मतलब फिनोटाइप वहां पे सब में देखने को मिल रहा था। ठीक है, स्टेबल था, मतलब एक कैरेक्टर वहां पे स्टेबिलिटी में चल रहा था। स्ट्रेसिस पॉपुलेशन वहां पे थी, स्ट्रेसिस पॉपुलेशन में क्या हुआ एकदम से वहां पे क्या हुआ जर्क, वहां पे झटके से वहां पे कोई नया कैरेक्टर वहां पर आ गया। ठीक है, न्यू कैरेक्टर वहां पे एकदम से वहां पर देखने को मिला। तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है कि एवोल्यूशन यहाँ पे कैसा होता है बाय जर्क यहाँ पर, और झटके से यहाँ पर होता है कि पहले स्ट्रेसिस था, स्ट्रेसिस का ब्रेकेज यहाँ पर होता है कि कॉन्स्टेंट फेनोटाइपिक स्पीशीज में जो देखने को मिल रहा था उसका ब्रेकेज होगा, अचानक से कुछ वहाँ पे नया कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसमें देखो सिंपल से एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं कि जैसे सपोज हमारे पास वहाँ पे क्या था माउस थे, माउस के एक पॉपुलेशन थे, व्हाइट कलर के माउस थे। अब वो सब में करेक्टर क्या देखने को मिल रहा है कि व्हाइट ही माउस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्ट्रेसिस मेंटेन है कि वहाँ पे जो डोनेशंस आ रही है सब में वहाँ पे व्हाइट वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या, अब नेक्स्ट मतलब कांस्टेंट एक करेक्टर वहाँ पे चलता जा रहा है, स्टेबिलिटी वहाँ पर हो। लेकिन क्या हुआ कि एक जनरेशन में क्या हुआ कि एक टाइप में तो व्हाइट देखने को मिल रहा है, एक वहाँ पे कुछ ब्राउन कलर का माउस वहाँ पर आ गया। अब ब्राउन जो फिनोटाइप वहाँ पर हुआ कैसे, वो जर्क से झटके से आया कि मतलब पहले क्या था एक कांस्टेंट वहाँ पे क्या चल रहा था व्हाइट ही वहाँ पे कलर चल रहा था, लेकिन एकदम अचानक से वहाँ पे क्या देखने को मिला कि वहाँ पे देखने को मिला कि एकदम से फर का कलर ऐसे चेंज हो गया, व्हाइट से किसमें क्या ब्राउन में वहाँ पर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एवोल्यूशन कैसे बोल रहा है कि एवोल्यूशन बाय जर्क यहाँ पर, झटके से एवोल्यूशन यहाँ पर होता है कि लार्ज स्केल पे जो एवोल्यूशन होता है, नई फाइलम या फिर जो नया जीनस बनता है ना वो कैसे बनता है, एक तो पैटर्न वहाँ पे क्या पंचुएटेड इक्विलिब्रिया एक्सप्लेन करता है कि सिंपल वहाँ पे झटके से कि पहले एक कांस्टेंट स्ट्रेसेस वहाँ पे मेंटेन था, एक कांस्टेंट स्टेबिलिटी वहाँ पे मेंटेन थी, लेकिन फिर कुछ वहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि एकदम से कुछ नया कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिल गया। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या होता है एवोल्यूशन वहाँ पर होता है। लेकिन ग्रेजुअलिज्म में क्या होता है, ग्रेजुअलिज्म में ये सब चेंजेस थोड़े थोड़े धीरे 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 चलते हैं कि स्मॉल मतलब हर एक स्टेप पे हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा हर एक स्टेप पे कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े चेंजेस वहाँ पे देखने को मिले, ग्रेजुअल होगा, उसके बाद फिर जाके क्या देखने को मिल रहा है कि एक नई स्पीशीज वहाँ पे देखने को मिल रही है। तो वो सब किस्मत है ग्रेजुअलिज्म में यहाँ पर आता है। तो ऐसे ही लार्ज स्केल पे भी चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलता है कि एक तो क्या है कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप कुछ ना कुछ चेंजेस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक दूसरा वहाँ पे क्या है कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन है, स्टेबिलिटी को एकदम से अचानक से वहाँ पे ब्रेक किया गया। ब्रेक कैसे किया कि वो कोई नया करेक्टर वहाँ पे अचानक से देखने को मिला कि दो पैटर्न यहाँ पर, एक तो ग्रेजुअली चलना स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चल रही है, दूसरे में क्या हो रहा है कि एक स्ट्रेसेस मेंटेन है, एक कांस्टेंट कैरेक्टर वहाँ पे मेंटेन था, एक जनरेशन में कांस्टेंट कैरेक्टर वहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अचानक से वहाँ पे कुछ नया कैरेक्टर वहाँ पर आ गया। तो उसको एक्सप्लेन करता है पंचुएटेड इक्विलिब्रिया से एक्सप्लेन करता है, और एक कांस्टेंट जो देखने को मिलता है वो एक्सप्लेन करता है किससे, ग्रेजुअलिज्म। ठीक है, तो इसमें पंचुएटेड इक्विलिब्रिया में लिखो, इसमें लिखो पंचुएटेड इक्विलिब्रिया में लिखो, मतलब एक तो इसमें क्या होगा एवोल्यूशन बाय जर्क होगा। अब जैसे देखो हमने म्यूटेशन थ्योरी जो की थी, म्यूटेशन थ्योरी में भी ये बोला था कि एवोल्यूशन कैसे होता है, बाय जर्क होता है, झटके से एवोल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। तो सेम पंचुएटेड इक्विलिब्रियम में भी सेम ऐसे ही कंसेप्ट है कि यहाँ पे भी एवोल्यूशन कैसे होता है, बाय जर्क यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लिखो इसमें एवोल्यूशन प्रोसीड्स, इसमें आएगा एवोल्यूशन प्रोसीड्स रिलेटिवली रैपिड ड्यूरिंग स्पीसीएशन, relatively rapid during speciation between species events the population remains relatively constant in condition called stasis, next likho stasis can be broken by rare events of large changes next लिखो इसमें species remain relatively unchanged for long periods of time and are at equilibrium with their environment These long periods of stasis punctuated by relatively rapid period of change तो इसी को बोला पंचुएटेड इक्विलिब्रियम कि पहले पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है, स्टेसिस में है, फिर वहां पे कुछ लार्ज चेंज, रैपिड लार्ज चेंज वहां पर आता है जिससे वो स्टेसिस ब्रेक हो जाती है। आशिमा क्या बोल रहे हो? मैम क्या बोला था आपने लास्ट वर्ड? रिलेटिवली रैपिड पीरियड ऑफ चेंज, नेक्स्ट आता है ग्रेजुअलिज्म। देखो इसमें एवोल्यूशन अकर्स एट कांस्टेंट रेट नेक्स्ट लिखो न्यू स्पीशीज अराइज बाय ग्रेजुअल transformation of ancestral species next लिखो species descendant from common ancestor gradually diverge more and more more and more in their morphology, as they require unique adaptations, ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे कहते हैं ग्रेजुअलिज्म यहाँ पर आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट होता है। मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन करेंगे, वो अलग से टॉपिक करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल एवोल्यूशन वहां पर आएगा। तो यहाँ तक हमारा टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, माइक्रो, मैक्रो, पैरेलल एवोल्यूशन एंड कोएवोल्यूशन। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, कि कोई भी इवेंट दे देंगे, मतलब कोई भी कंडीशन बता देंगे कि एवोल्यूशन यहाँ पे कैसा होता है, और फिर वहां पर आ जाएगा कि किस टाइप का एवोल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट टाइम हमारा थोड़ा आएगा ना, अब हम नेक्स्ट करेंगे फाइलोजेनी। फाइलोजेनी स्टार्ट करता है। फाइलोजेनी में हम कुछ यहाँ पे कुछ फाइलोजेनेटिक ट्रीज के बारे में करेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्रीज में कुछ यहाँ पे टर्म्स यहाँ पर आएंगे। क्लैडोग्राम, फाइलोजेनेटिक ट्रीज में क्या क्या डिफरेंस होता है, ट्रीज मतलब क्लैडोग्राम कैसे बनता है। देखो वैसे ना फाइलोजेनी जब हम करते हैं ना, तो फाइलोजेनी ना एक बहुत मतलब एक अलग से बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर होता है। जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होता है ना, उनको समझना थोड़ा सा टफ होता है। देखो दो तरीके होता है हमारे पास, एक होता है क्लैडोग्राम होता है, एक होता है फाइलोजेनेटिक ट्रीज। क्लैडोग्राम थोड़ा सिंपल होता है, मतलब बेसिकली दोनों बताता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि कैसे मतलब किससे क्या क्या ऑर्गेनिज्म वहाँ पे बना ना, ट्री लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बनता है। एक क्लैडोग्राम बनता है, एक फाइलोजेनेटिक ट्रीज बनते हैं। जो क्लैडोग्राम होता है वो थोड़ा इजी होता है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, कि वहाँ पे उसको समझना थोड़ा सा टफ रहता है। तो इसलिए अभी हम जो करेंगे ना, मतलब जो यहाँ पे करेंगे एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ज्यादा क्लैडोग्राम से आता है। तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज में तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे कोई भी ऐसा पूरा पूरा ना वहाँ पे ट्री को मतलब पूरा याद करना कि जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आते हैं, बीच में कौन कौन से स्पीशीज वहाँ पर आते हैं, ऐसे करके अलग अलग ट्रीज वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो फाइलोजेनेटिक ट्रीज को इतना डिटेल में नहीं करेंगे, क्लैडोग्राम करेंगे। क्लैडोग्राम को भी जहाँ से क्वेश्चन वहाँ पे बनता है कि कुछ टर्म्स वहाँ पर आते हैं, फिर वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी वहाँ पर होता है। पार्सिमनी में ये देखते हैं कि कौन सा क्लैडोग्राम किसी एक पर्टिकुलर मतलब स्पीशीज का अगर हम वहाँ पे बनाते हैं, तो कौन सा क्लैडोग्राम वहाँ पे सुटेबल रहता है। ठीक है, तो अब बेसिकली हमारा ये सब स्टार्ट होगा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टार्ट होगा कि कैसे हम ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे हम रिलेशन कैसे बताता है, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे बताता है, ट्रीज के मतलब तरीके से हम उनको कैसे बताते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फाइलोजेनी स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलोजेनी में सबसे पहले हम डिफरेंस करेंगे कि क्लैडोग्राम और फाइलोजेनेटिक ट्रीज क्या होता है, फिर क्लैडोग्राम का बेसिक करेंगे कि क्लैडोग्राम बेसिक में कैसे बनाता है, कैसे ड्रॉ करता है, फिर उसके बाद क्लैडोग्राम में कुछ टर्म्स हमारे पास आते हैं, फिर वो टर्म्स करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट फाइलोजेनी यहाँ पे स्टार्ट करता है। न्यूट्रल एवोल्यूशन अलग से करेंगे, ये जब हो जाएगा ना, जब ये कर लेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा ये रह जाएगा मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन या फिर न्यूट्रल एवोल्यूशन, ये टॉपिक यहाँ पे रह जाएगा, मतलब वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन में। फिर वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक्स ये सब पूरा का पूरा कंसेप्ट वहाँ पर रहेगा। ठीक है, वो अलग से होगा टॉपिक। तो अब हमारा जो बचता है ना, ये फाइलोजेनी ही है। फाइलोजेनी का एक यहाँ पे टॉपिक होगा और एक मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन वाला, और उसके बाद जोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक बचते हैं। यहाँ पर आता है क्लैडोग्राम एंड फाइलोजेनेटिक ट्री। सो 2 सेकेंड वेट करना। हेलो हेलो, इतना अभी तो नहीं मिलेगा, किसी को बनाना पड़ता है ना, टीचर ही भेज सकते। शुक्रिया, मेरा ना बुक निकाल लेक्चर अपलोड कर दो ना, आपको पौने 3 आपकी क्लास होगी। परसों सैटरडे का होगा। कौन सा टॉपिक ना टाइप्स ऑफ फ्रूट उसमें आएगा से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी। अभी कोई लिंक तो मैं देखता कोई और लिंक हो ज्वाइन में इतना कर लूं। ठीक है मैं देखती हूं। ओके चलो क्लैडोग्राम और फाइलोजेनेटिक ट्रीज करते हैं। अब देखो जो क्लैडोग्राम होता है ना, क्लैडोग्राम हम जर्नली यूज करते हैं जर्नल क्लासिफिकेशन के लिए कि जैसे हम ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो क्लासिफिकेशन हम ऐसे करके यहाँ पे चार्ट बनाते हैं ना कि ऐसे करके यहाँ पे ऐसा पूरा का पूरा कि यहाँ पे कैसे क्लासीफाई यहाँ पर होता है। तो ये पूरा का पूरा जो होता है ये होता है क्लैडोग्राम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो क्लैडोग्राम को जर्नली यूज किया जाता है, क्लासिफिकेशन के लिए यूज करता है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन जो फाइलोजेनेटिक ट्रीज होता है ना, इनको हम यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्लस में यहाँ पे होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने के लिए। ठीक है, इनको यूज करते हैं इवोल्यूशनरी। ये ऐसा बनता है, देखो ऐसा कभी कुछ ऐसे ट्री लाइक पैटर्न देखा होगा कि यहाँ से फिर ऐसे लिनेजेस यहाँ पे जाती हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है कि यहाँ पे अलग से पूरा वो बताता है, यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में यहाँ पे बताता है। तो फर्स्ट डिफरेंस यहाँ पे लिखो, फर्स्ट डिफरेंस क्लैडोग्राम में आएगा। देखो मोस्टली यूज्ड, लिखो मोस्टली सिंपल। क्लैडोग्राम यहाँ पे क्या होता है, इट इज मोस्टली सिंपल एंड कैन बी यूज्ड फॉर द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म क्लैडोग्राम सिंपल होता है और इसको यूज किया जाता है फॉर द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है अच्छा फाइलोजेनेटिक ट्री। अच्छा ये सिंपल होगा क्लैडोग्राम, ये होता है फाइलोग्राम। जैसे ये क्लैडोग्राम हुआ ना, वो वहां पर वो फाइलोग्राम होता है। ठीक है, फाइलोग्राम। इसमें लिखो फाइलोजेनेटिक ट्रीज आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोस्टली यूज्ड टू डिटरमाइन evolutionary relationship between different group of organism ठीक है, अब सिंपल अब ये जो क्लैडोग्राम होता है क्लैडोग्राम के क्लासिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, इट इज नॉट अ एवोल्यूशनरी ट्री। ठीक है, ये एक एवोल्यूशनरी ट्री नहीं होता, लेकिन जो फाइलोग्राम या फिर जो फाइलोजेनेटिक ट्री है ये सिंपल क्या, इट इज अ एवोल्यूशनरी ट्री। ठीक है, एवोल्यूशनरी ट्री सिंपल कि ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बताता है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बताता है। तो ये क्लैडोग्राम नॉट अ एवोल्यूशनरी ट्री और यहाँ पर क्या होता है, एवोल्यूशनरी ट्री यहाँ पर होता है। इसलिए हमने इसकी स्टार्टिंग में बोला कि फाइलोजेनेटिक ट्रीज ठीक है कॉम्प्लेक्स होता है, ये यहाँ पर क्या होता है एवोल्यूशनरी ट्री यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लैडोग्राम में, क्लैडोग्राम इट गिव्स हाइपोथेटिकली पिक्चर ऑफ एक्चुअल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। hypothetically picture of actual evolutionary history of organism। ठीक है, एक हाइपोथेटिकली पिक्चर देता है क्लैडोग्राम, और यहाँ पे फाइलोग्राम यहाँ पर होता है. इट इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन देगा जो भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री रहता है, ये हाइपोथेटिकली इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता है. ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आएगा डिस्टेंस. लिखो नेक्स्ट, डिस्टेंस इट डज नॉट ऑफ आशिमा कहाँ से रह गया, इट इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म. ओके, ठीक है. नेक्स्ट है क्लैडोग्राम में डिस्टेंस. आशिमा कुछ रहता है अभी. नेक्स्ट क्लैडोग्राम में लिखो डिस्टेंस does not indicate the evolutionary time of groups. Distance does not indicate the evolutionary time of groups. Distance का simple मतलब क्या होगा, जैसे ये जो branches का distance होता है ना, ये branches का distance कोई भी evolutionary time यहाँ पे नहीं बताता cladogram में. ठीक है, बट इन फाइलोग्राम इट इंडिकेट्स द ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन एंड रिलेटिव डिवर्जेंस टाइम ऑफ ब्रांचेस based on distance between groups. तो फाइलोग्राम यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ड्यूरेशन ऑफ एवोल्यूशन बताएगा कि कितना टाइम वहाँ पे हुआ, कि कितने ईयर्स पहले वहाँ पे एक स्पीशीज किसी दूसरे स्पीशीज में वहाँ पे कन्वर्जन हुआ. ठीक है, और सिंपली क्या बताया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे देखो जो फाइलोग्राम होता है ना, इसमें सिंपल क्या होता है कि यहाँ पे एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब कैसे, कि जैसे एक स्पीशीज इससे फिर दूसरी स्पीशीज वहाँ पे बनी, जैसे सिंपल जैसे फिशेज से फिर एम्फीबियंस बनता है, एम्फीबियंस से फिर वहाँ पे रेप्टाइल्स, मतलब ये पूरा ऐसे, मतलब ऐसे एक ऑर्डर में यहाँ पे चलता है कि एक स्पीशीज के बाद कौन सा स्पीशीज वहाँ पर आता है, और उनके बीच में जो ब्रांचेस का डिस्टेंस क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है कि कितने टाइम के बाद वहाँ पे ये नई स्पीशीज वहाँ पे, या फिर इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, किसमें होगा, ये फाइलोजेनेटिक ट्रीज में होता है, लेकिन क्लैडोग्राम में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्लैडोग्राम में all the branches are of equal length. All the branches are of equal length as they do not represent any evolutionary distance between different groups. तो यहाँ पे ब्रांचेस कैसे होंगी, सेम लेंथ की यहाँ पर होती हैं. ठीक है, जैसे देखो, जैसे यहाँ से ए और बी यहाँ पे स्पीशीज आ रही है, जैसे यहाँ पे सी और डी, तो ये ब्रांच का देखो ये लेंथ यहाँ पे, डिस्टेंस यहाँ पे कैसा होगा, सबका सेम है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अनइक्वल लेंथ की यहाँ पे होती है, ब्रांचेस यहाँ पे कैसे होती है, सेम लेंथ की ही ब्रांचेस यहाँ पे रहती है. ठीक है, नेक्स्ट आएगा, उसमें लिखो फाइलोग्राम में the branches in a phylogenetic tree usually are of different length as they represent evolutionary distance between groups. ठीक है, अब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन करता है क्लैडोग्राम की. क्लैडोग्राम में कैसे यहाँ पर होता है वो देखते हैं. ये कुछ टर्म है यहाँ पे, रूट, नोड एंड क्लेड। ठीक है, रूट, नोड एंड क्लेड। तो ये यहाँ पे रूट, ये फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स मतलब जहाँ से डाइवर्जेंस हो रही है, जहाँ पे ब्रांचेस डाइवर्ज कर रही है ना, उस पॉइंट को यहाँ पे नोड बोलते हैं, और ए और बी यहाँ पे क्या क्लेड होता है। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पे ये क्या होता है। अब रूट देखो, रूट तो सिंपल यहाँ पे क्या होता है, ये होता है इनिशियल कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। जितना भी ऑर्गेनिज्म इस क्लैडोग्राम में प्रेजेंट होंगे ना, रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल कॉमन एंसेस्टर को। ठीक है, इनिशियल कॉमन एंसेस्टर को, जितना भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पे, बेसिकली उसको बोल सकता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, किसी भी क्लैडोग्राम को क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होता है, उसको बोलते हैं रूट यहाँ पर आता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी क्लैडोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो उसे क्या बोलते हैं, रूट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, अब नोड्स यहाँ पे क्या है, नोड्स एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से क्या होते हैं डाइवर्जेंस यहाँ पर होती है, डाइवर्जेंस ऑफ ब्रांचेस कहाँ से होता है, नोड से होती है, और नोड बेसिकली प्रेजेंट करता है रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को। जैसे देखो ए और बी, ए और बी का यहाँ पे ये नोड क्या रिप्रेजेंट करे, इसका ये कॉमन एंसेस्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। अगर यहाँ पे क्या होता है सी यहाँ पर होता, तो ए बी सी इन तीनों का यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर क्या होगा, ये नोड यहाँ पर होगी। ठीक है, तो नोड यहाँ पे क्या होता है, ये बताता है रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, बताता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, अब जैसे देखो ये नोड यहाँ पे, ये नोड यहाँ पे रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए एंड बी, ये नोड यहाँ पे रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बी एंड सी, और रूट यहाँ पे इनिशियल कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नोड्स डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस और सिंपल यहाँ पे कहते हैं किसको बताता है, रीसेंट कॉमन एंसेस्टर को यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आता है क्लेड। क्लेड यहाँ पर होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे ए और बी, ये यहाँ पे क्या ए एंड बी यहाँ पे दोनों क्लेड को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लेड यहाँ पे क्या, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर कॉमन रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग सिमिलैरिटी विद देयर कॉमन रीसेंट एंसेस्टर, कि मतलब ए एंड बी यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है, सिमिलर ऑर्गेनिज्म है, और इनका यहाँ पे क्या आता है, इनमें क्या इंक्लूड होता है, इनका रीसेंट कॉमन एंसेस्टर। ये पूरा यहाँ पे फिर ग्रुप, ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्लेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लेड सिंपल क्या है, क्लेड यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख लो, क्लेड में ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लेड में लिखो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जीन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म और जीन्स दैट इंक्लूड मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, दैट इंक्लूड मोस्ट कॉमन रीसेंट ancestor of all of its members, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन रिसेंट एंसेस्टर यहाँ पर होगा सारे मेंबर्स का, वो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्लेड को रिप्रेजेंट ये करते हैं। ठीक है, इसमें क्लेड में नेक्स्ट लिखो, इसमें और क्या आ सकता है, क्लेड में इट इज made of an ancestor and all its descendants जैसे ये ancestor और इसके ये all descendants, ये पूरे के पूरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्लेड को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और इसको डिफाइन कर सकता है, क्लेड में क्या आता है, नोड एंड all its branches। ठीक है, नोड यहाँ पर होगा, नोड और इसके जो भी ब्रांचेस यहाँ पर होती है, ये सब ये क्या होता है, क्लेड यहाँ पर होता है। ठीक है, तो नोड में मतलब क्लेड में क्या इंक्लूड होगा, इंक्लूड अ पर्टिकुलर नोड एंड ऑल इट्स ब्रांचेस, तो इसको नोड और ब्रांचेस से भी मतलब बता सकते हैं। ठीक है, एंसेस्टर और यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कैसे भी करके बताएंगे, तो सिंपल ये यहाँ पे तो ये पूरा पूरा किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लेड को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, क्लेड यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसी से रिलेटेड, अभी देखो नोड क्लेड से ना, इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप कुछ टर्म्स यहाँ पे करेंगे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे कर लो, जैसे यहाँ पे ए एंड बी तो हमने क्या बोला कि सेम क्लेड से बिलोंग करते हैं ना। ठीक है, ये जो सी यहाँ पर होता है ना, सी यहाँ पर होता है हमारे पास आउट ग्रुप, सी जो यहाँ पर होगा ना, सी यहाँ पर होता है आउट ग्रुप यहाँ पर होगा। अच्छा, इसको बोल सकता है कि जो A एंड B हमारे पास होता है यहाँ पे सिस्टर ग्रुप है। A एंड B आर सिस्टर ग्रुप क्योंकि यहाँ पे क्या क्लोजली रिलेटेड, यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड क्योंकि इनका यहाँ पे क्या है कॉमन एंसेस्टर यहाँ पर होता है। A एंड B यहाँ पे क्योंकि सिस्टर ग्रुप में और C यहाँ पे क्या आउट ग्रुप क्योंकि इनका यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर इनका डिफरेंट हुआ, यहाँ पे मतलब डिफरेंसेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। A एंड B यहाँ पे सिस्टर ग्रुप होगा और C यहाँ पे क्या था आउट ग्रुप होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे A यहाँ पे टैक्सोन भी हो सकता है, A टैक्सोन, B टैक्सोन, C टैक्सोन, इनको टैक्सोन के टर्म में भी बोल सकता है। टैक्सोन सिंपल होता है ना ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स, उसको हम टैक्सोन बोलते हैं। तो A अलग लेवल पे टैक्सोन बनाता है, B अलग लेवल पे टैक्सोन बना रहा है, C अलग लेवल पे टैक्सोन बना रहा है, तो ये सब टैक्सोन को भी रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं, ठीक है। टैक्सोन क्या बोला ये मैंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर कैरेक्टर यहाँ पे टैक्सोन यहाँ पर होता है। तो जैसे यहाँ पे A अलग टैक्सोन यहाँ पे बनाता है, B अलग बनाता है, C, तो A B C भी अलग इंडिविजुअल लेवल पे किसको रिप्रेजेंट करता है, टैक्सोन को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है, ठीक है। अब आउटग्रुप जो है, आउटग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा वो टैक्सोन है विच इज अवर आउट ऑफ इंटरेस्ट टैक्सोन। जैसे A एंड B हमारे इंटरेस्ट ऑफ है, इंटरेस्ट कैसे क्योंकि ये सिस्टर्स है, ठीक है। C यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट का नहीं या फिर इन सिस्टर के साथ रिलेट नहीं कर रहा, तो इसको सिंपल क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे क्या आउट ग्रुप यहाँ पर अलग से यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है अब इसमें टर्म्स करते हैं, टर्म्स इसमें करेंगे जैसे एपोमॉर्फी, सिंप्लीसियोमॉर्फी, ठीक है, ये टर्म्स यहाँ पर आएंगे। परमानेंट पता नहीं इंक का भी डिफरेंस होता है ना, इंक मतलब इस बार जो इंक लाए मुझे लगता है ऐसे है कि वो हटी नहीं रही है। ये बना लो, फिर इसे देखते हैं कि क्या क्या होता है। देखो इसमें अब देखो यहाँ पे ये क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट क्लैडोग्राम्स यहाँ पर है, ठीक है। अब इस क्लैडोग्राम्स में जो भी डार्क सर्कल है वो तो क्या रिप्रेजेंट करे, डिराइव्ड कैरेक्टर। डिराइव्ड मतलब कोई भी नया कैरेक्टर यहाँ पर आता है, ठीक है, न्यू कैरेक्टर यहाँ पर हो रहा है। और जो भी यहाँ पे ये लाइट सर्कल यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो कुछ टर्म यहाँ पर होते हैं। अच्छा, इसमें जैसे ना एक हमारे पास टर्म होते हैं एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी यहाँ पर होता है, एपोमॉर्फी का मतलब यहाँ पे कुछ भी नए कैरेक्टर्स, ठीक है। डिराइव्ड कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर होता है एपोमॉर्फी। जो डिराइव्ड कैरेक्टर्स यहाँ पर होता है उनके लिए यहाँ पर आता है एपोमॉर्फी, यहाँ पर आता है। टर्म यूज करता है, एक होता है प्लीजियोमॉर्फी। प्लीजियोमॉर्फी यूज करता है एंसेस्ट्रल कैरेक्टर के लिए, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर यूज करते हैं प्लीजियोमॉर्फी। और सिन यहाँ पर होता है शेयर्ड, सिन यूज करता है शेयर्ड, ठीक है। सिम यहाँ पर जो सिम ये किसके लिए यूज करते हैं यहाँ पे, शेयर्ड के लिए यहाँ पर होता है। तो एपो मतलब एपो डिराइव्ड कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर होगा, प्लीजियोमॉर्फी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर के लिए यहाँ पर आता है, सिम या फिर सिम किसके लिए होता है, शेयर्ड कैरेक्टर्स के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कुछ 5 टर्म्स यहाँ पे आते हैं। होमोप्लासी वैसे हमने पहले कर लिया, उसको बस यहाँ पे देखेंगे कि कैसे यहाँ पे रिलेट यहाँ पे करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आता है एपोमॉर्फी। अब एपोमॉर्फी क्या होता है, एपोमॉर्फी होता है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे नए कैरेक्टर डिराइव्ड कैरेक्टर्स यहाँ पर होता है ना, ये किस में प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक ग्रुप में प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट लिनेजेस यहाँ पे किसको कर रहे हैं, यहाँ पे नए कैरेक्टर्स उनमें प्रेजेंट है बट इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। जैसे देखो इन दोनों का यहाँ पे कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है, मतलब उस कॉमन एंसेस्टर में कोई भी डिराइव्ड कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा। वो कैरेक्टर सिर्फ किस में देखने को मिल रहा है, वो कैरेक्टर सिर्फ वो जो 2 ग्रुप्स हैं उन 2 ग्रुप्स में प्रेजेंट है, एंड कॉमन एंसेस्टर में वो डिराइव्ड कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एपोमॉर्फी। एपोमॉर्फी में क्या होगा कि कॉमन कैरेक्टर जो यहाँ पर होगा एंसेस्टर में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। एपोमॉर्फी में डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ कैरेक्टर, एपोमॉर्फी इट इज अ कैरेक्टर that is different from the form found in an ancestor that sets the clade apart from other clades apart from another clades. इसमें नेक्स्ट लिख लेना not present in ancestor, मतलब जो derived trait होगा derived trait not present in ancestor. ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर जो derived trait है वो किसमें प्रेजेंट है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है और उनके एंसेस्टर में कोई भी trait नहीं प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, टर्म होते हैं यहाँ पे एपोमॉर्फिंग यहाँ पर आता है. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है सिंप्लिजोमॉर्फी. सिंप्लिजोमॉर्फी होता है कि अब देखो यहाँ पे जब दो या दो से ज्यादा टैक्सोन, अब वो किसको शेयर करता है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को शेयर करता है, तब उनके लिए टर्म हम यूज करते हैं सिम प्लीजोमॉर्फी. जैसे प्लीजोमॉर्फी भी एंसेस्ट्रल कैरेक्टर के लिए और सिम यहाँ पे के शेयरिंग, तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर हो रही है बिटवीन टू टैक्सोन, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं सिम प्लीजोमॉर्फी. ठीक है, यहाँ पे क्या था, एपोमॉर्फी में डिराइव्ड कैरेक्टर्स है बट वो डिराइव्ड कैरेक्टर किसमें, एंसेस्टर के पास नहीं है, बट वो दो डिफरेंट ग्रुप में कुछ नए कैरेक्टर्स वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां उस ग्रुप को क्या बोल रहा है, एपोमॉर्फिक या फिर उस कैरेक्टर को एपोमॉर्फिक. सिंप्लिजोमॉर्फी में यहाँ पे क्या हो रहा है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स की शेयरिंग यहाँ पर हो रही है, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की शेयरिंग इसके बीच में अलग अलग टैक्सोन में यहाँ पर हो रही है, तो उसको सिंप्लिजोमॉर्फी बोलते हैं. ठीक है, सिंप्लिजोमॉर्फी में लिखो एंसेस्ट्रल ट्रेट that are shared by two or more taxa. ठीक है, सिंप्लिजोमॉर्फी कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर क्या करे, शेयरिंग वहां पर हो रही है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ओट एपोमॉर्फी. ठीक है, नेक्स्ट आता है ओट एपोमॉर्फी. ओट मतलब खुद के साथ ही, मतलब सेल्फ. यहाँ पे ओट एपोमॉर्फी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो नए कैरेक्टर्स आता है वो सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन टैक्सोन, सिर्फ एक ही टैक्सोन में प्रेजेंट है. इवन जिसका जो क्लोज रिलेटेड है वहां पर भी नया कैरेक्टर नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ एक ही टैक्सोन में देखने को मिल रहा है और कहीं पे वो कैरेक्टर देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए टर्म यहाँ पर होता है ओट एपोमॉर्फी. ओट एपोमॉर्फी मतलब उसके खुद के साथ ही सिमिलरिटी, खुद के पास उसका नया कैरेक्टर है, इवन जिसका क्लोजेस्ट यहाँ पे रिलेटिव है इसके पास भी कैरेक्टर नहीं देखने को मिलता, तो इसलिए इसको क्या बोलता है, ओट एपोमॉर्फी. ठीक है, यहाँ पे दो ग्रुप के बीच में था एपोमॉर्फी में, जो नया कैरेक्टर था यहाँ पे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की थी, यहाँ पे एपोमॉर्फी मतलब नया कैरेक्टर तो यहाँ पर डिराइव्ड कैरेक्टर तो यहाँ पर, बट वो सिर्फ एक ही टैक्सोन तक है, उसके क्लोज रिलेटिव के पास वो कैरेक्टर नहीं है. ठीक है, तो ओट एपोमॉर्फी में लिखो डिराइव्ड कैरेक्टर्स that are restricted to only one lineage. And even absent in the closest relative. ठीक है, ये यहाँ पे क्या था, ओट एपोमॉर्फी. अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है सिन एपोमॉर्फी. अब देखो यहाँ पे सिन एपोमॉर्फी मतलब यहाँ पे क्या होगा, नया कैरेक्टर यहाँ पर होगा, बट अब नया कैरेक्टर यहाँ पे क्या होगा, किसमें भी होगा, यहाँ पे एंसेस्टर पॉपुलेशन में भी. एपोमॉर्फी में एंसेस्टर पॉपुलेशन में नहीं था, वहां पे सिर्फ किसमें था, लिनेजेस में था, एंसेस्टर में नहीं था. यहाँ पर क्या होता है, पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा क्लेड ही अलग हो गया, क्योंकि क्लेड हमने क्या किया था कि किसके साथ यहाँ पे एंसेस्टर पॉपुलेशन भी इंक्लूड यहाँ पर है. अब इसमें यहाँ पे जो कैरेक्टर्स की सिमिलरिटी होगी, कैरेक्टर की सिमिलरिटी किसमें, दो डिफरेंट स्पीशीज और प्लस उसके एंसेस्टर में भी देखने को मिल रहा है, रिसेंट कॉमन एंसेस्टर में भी उन्हें कैरेक्टर देखने को मिलता है, तो वहां पर होते हैं सिन एपोमॉर्फी. ठीक है, एपोमॉर्फी में नहीं था एंसेस्टर इंक्लूड नहीं था, सिन एपोमॉर्फी में एंसेस्टर इंक्लूड होता है. ठीक है, बस ये डिफरेंस यहाँ पर होता है. तो सिन एपोमॉर्फी में लिखो एंटायर क्लेड हैज द पर्टिकुलर ट्रेट. क्लेड की डेफिनेशन वहां पे क्या होगा, जो भी लिनेजेस वहां पर रहते हैं प्लस में उसका रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, पूरा जैसे पूरा क्लेड यहाँ पर होगा. अब इसमें देखो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है ये. ठीक है, यहाँ पे पूरा क्लेड बनेगा. अब इस पूरे क्लेड में यहाँ पे क्या कि जो एंसेस्टर है उसके पास तो कैसे कौन से कैरेक्टर होंगे, मतलब ये जो यहाँ पे इसके पास तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स ही है, इन दोनों के पास यहाँ पे दो नए कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं. ठीक है, क्लोजली रिलेटिव है, इनके एंसेस्टर के पास कैरेक्टर है बट इनके पास कुछ नया कैरेक्टर है, तो एपोमॉर्फी. अगर सिर्फ एक ही के पास होगा तो ओट एपोमॉर्फी, अगर एंसेस्टर भी इंक्लूड होगा तो यहाँ पे क्या होगा, सिन एपोमॉर्फी. ठीक है, एंसेस्टर इंक्लूड होगा सिन एपोमॉर्फी, एंसेस्टर नहीं होगा तो एपोमॉर्फिक, और जब सिर्फ एक ही लिनेज में होगा तो वो क्या हो जाएगा ऑड एपोमॉर्फिक यहाँ पर होगा, ठीक है। और सिंप्लिसमॉर्फिक में तो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर की शेयरिंग यहाँ पर होगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट यहाँ पे आता है होमोप्लासी। होमोप्लासी हमने क्या था कि यहाँ पर क्या होता है अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कुछ नया कैरेक्टर प्रेजेंट होगा एज अ रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब यहाँ पे देखो क्या है कि एक ये और ये दोनों ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कैसा दोनों टैक्सोन यहाँ पे कैसे अनरिलेटेड है, लेकिन इन दोनों में सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है। सिमिलरिटी यहाँ पे क्या है दोनों में यहाँ पे कुछ ना कुछ नया कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है होमोप्लासी, ठीक है। होमोप्लासी का सिमिलरिटी अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म कि यहाँ पे सिमिलरिटी होगी अमंग अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म कि उनके बीच में कोई इतना रिलेशन है बहुत दूर के वो रिलेटिव है, लेकिन उनके बीच में क्या प्रेजेंट है सिमिलरिटी प्रेजेंट है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है होमोप्लासी, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी ऐसा डायग्राम ऐसे बना होगा तो ये बताना होगा कि कहाँ पे सिनेपोमॉर्फिक रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे ओटापोमॉर्फिक है, सिंप्लिसमॉर्फिक कहाँ पर होती है होमोप्लासी, और यहाँ पे एपोमॉर्फिक आता है, या फिर इनके डेफिनेशन से क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स हम यहाँ पे यूज करते हैं एपोमॉर्फिक। इसमें यहाँ पे था कि यहाँ पे एंसेस्टर भी इंक्लूड होता है, इनका मोस्ट कॉमन एंसेस्टर भी इंक्लूड होगा, तो ये पूरी पूरी क्लेड ही यहाँ पे कैसे न्यू कैरेक्टर्स के साथ है, ठीक है। यहाँ पे जो पूरी क्लेड थे यहाँ पे एंसेस्टर इनका क्या था मतलब एंसेस्टर कैरेक्टर यहाँ पे थे, और इनके पास यहाँ पे क्या था न्यू कैरेक्टर थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कॉमन एंसेस्टर के पास में यहाँ पे क्या था न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स यहाँ पर आती है। अच्छा, इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स यहाँ पर आता है। तो फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स में भी ना मतलब हम ऐसे यहाँ पे क्लैडोग्राम में बनाएंगे, उस क्लैडोग्राम में हमने अलग अलग ग्रुप्स वहाँ पे देखने हैं कि मतलब मोनोफाइलोजेनेटिक ग्रुप्स यहाँ पे कौन कौन से होता है, मतलब डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स करेंगे। फिर उसमें एक हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी में ऐसा होता है कि जैसे हमने क्या किया हमने सिमिलर कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक क्लैडोग्राम यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कैरेक्टर्स वहाँ पे कैरेक्टर के बेसिस पे क्लैडोग्राम। अब क्लैडोग्राम की भी पॉसिबिलिटी अलग अलग होती है, दो तीन मतलब जो कैरेक्टर्स हमें दिए हैं उसके बेसिस पे हम दो या तीन टाइप के क्लैडोग्राम वहाँ पे बना सकते हैं। अब उन दो या तीन टाइप के जो क्लैडोग्राम वहाँ पे जितने पॉसिबल क्लैडोग्राम है उन पॉसिबल क्लैडोग्राम में से कौन सा वहाँ पे एक्सेप्टेड होता है वो हम बताते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी ये चीज डिसाइड करता है कि जैसे सपोज हमारे पास ABCD चार स्पीशीज वहाँ पे दे दी, उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स दे दिए, कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे एक हमने क्लैडोग्राम वहाँ पे बनाया। अब क्लैडोग्राम वहाँ पे बना रहा है, अब उसके क्या बन रहा है उसकी भी पॉसिबिलिटी अलग अलग बन रही है कि तीन चार टाइप के हम क्लैडोग्राम एक ही इन्फॉर्मेशन से बना सकते हैं। अब उस तीन चार में से कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड होगा, मोस्टली एक्सेप्टेड कौन सा होता है, तो वहाँ पे हम लगाते हैं प्रिंसिपल, लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी। उसके अकॉर्डिंग फिर हम सेलेक्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा यहाँ पे मोस्ट एक्यूरेट होगा जो इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, ठीक है। वो चीज हम प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी में रखते हैं, ठीक है। आज तक फिर इतना ही रखता है, तो कल को करेंगे मतलब इसलिए कि आगे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी करेंगे, फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स यहाँ पे करेंगे अलग टाइप के, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन करते हैं। अच्छा, 5th असाइनमेंट है, निकाल दी होगी, वो लेके जाना, ठीक है।